हेलो एवरीवन वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यू पी एस सी हिंदी तो नितिन सिंघानिया का आज चालीसवाँ लेक्चर है चालीसवें लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं लिटरेचर तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं वही सारे चैप्टर्स करा रही हूँ जिससे अभी हाल फिलहाल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उन्होंने भी लगभग वही सारी चीज़ें कवर की है कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा भी कवर की हुई है नितिन सिंघानिया जी ने अपनी बुक में पर मैं लेटेस्ट ट्रेंड को पकड़ के ज़्यादा चल रही हूँ तो जो ये लेक्चर फोर्टी में लिटरेचर और ये एक मैराथन सेशन होगा इसमें मैं आप लोगों का पूरा लिटरेचर कंप्लीट करने जा रही हूँ राइट right? तो चले स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों का ये जो है आज ट्वेंटी सिक्स में लास्ट डेट है ये मेगा सब्सक्रिप्शन का और इसके अलावा ये जो आप लोगों का कोड है उसके लिए जो 35% परसेंट वाला जो कोड है उसके लिए ये लास्ट है आज तो आज लास्ट डेट है आप इसको अवेल कर लीजिए आप चाहे कॉम्बो लेते हैं तो ऑप्शनल लेते हैं तो और ये जी का लेते हैं तो एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा और कॉम्बो पर थर्टी ये आज ही तक है आज ही ऑफर ख़त्म हो रहा है तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग आज ले लें बारह बजे के पहले तक ले लीजिए और ये कहते हैं कि फिर ये ऑफर आए ना आए तो कल हो ना हो तो आप सब लोगों में से जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं आज ट्वेंटी सिक्स मे को जो कई दिनों से मैं छब्बीस जनवरी छब्बीस जनवरी कह रही थी आप ले लीजिए तो ये थर्टी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट एक्स्ट्रा ये डिस्काउंट का ऑफ़र जो कई दिनों से हम लोग आपको बता रहे थे आज इसका लास्ट डे आप पहुँचा है तो इसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों आपका कवर होगा वन ईयर का फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू ईयर का एट्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ई से पे कर सकते हैं लोन करा सकते हैं इसी तरह आपका आइकॉनिक है सेवेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन ईयर वन लाख सेवेंटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी टू ईयर और ये भी आप ई से पे कर सकते हैं लोन करा सकते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि वो आप लोगों का अगर जैसे सैलरीड है कोई आपकी फैमिली में पेरेंट्स ब्रदर्स कोई भी आप लोगों का आप उनका यूज कर सकते हैं बिजनेस है तो बिजनेस प्रूफ के साथ बैंक स्टेटमेंट देंगे आपका हो जाएगा तो आज ही के दिन ये सभी बैचेस शुरू हो गई हैं शुरू हो रही हैं तो ये सभी आपका 2021 के लिए 22 के लिए 23 के लिए जीएस का कंप्लीट तैयारी आप लोगों का होने वाला है तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए सभी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बाइलैंग्वेज सभी सभी माध्यम से इतनी सारी बैचेज आज शुरू हो रही हैं तो रिवीजन बैच से लेकर के आप लोगों का दो साल का कंप्लीट तैयारी तक तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए अब देर मत कीजिए आप लोग तो आज का जो दिन है वो कॉम्बो पैक का दिन है कॉम्बो पैक लीजिए बाकी जीएस वाला जो ये प्रोडक्ट है ये जो हम हमेशा रहता है इसकी फ़ीस ये फोर्टी फोर फौर्ट थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी में वन ईयर सिक्सटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड में टू फाँ ईयर एटी वन थाउजेंड में थ्री ईयर का है रिंकू लाइफ कोड के साथ सिक्सटी सेवन थाउजेंड फिफ्टी में वन ईयर आइकॉनिक का है वन लाख फोर थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव में टू ईयर का है वन लाख थर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव में थ्री ईयर का है ये सिर्फ इसमें आप जी एस पढ़ेंगे तो अभी ये फोर इन वन चल रहा है ऑफ़र जिसमें आपको टेन थाउजेंड रुपीज़ का आपको बुक मिलेगा जो आपके घर जून से आप लोगों के घर पर ये कुरियर होना शुरू हो जाएगा मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र जो आज तक है आप लोगों का और आपका जो है थर्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट वाला ऑफ़र आइकॉनिक लेते हैं तो ये आइकॉनिक के अपने फ़ायदे हैं और बाकी अगर सिर्फ ऑप्शनल लेना है आपको तो चौबीस हज़ार सात सौ पचास रुपये में रिंकू लाइव कोड के साथ हो जाएगा समाजशास्त्र और इतिहास ये दो विषय का ऑप्शनल मैं पढ़ा रही हूँ चल रहे हैं दोनों के कोर्सेज़ आपको दिख जाएंगे निकाडमी पर आप आओगे तो और ये संडे टू संडे ये जो रिंकू लाइव कोड के साथ आप लोगों का ये कॉम्बैट होता है तो इसमें आप लोगों का ऑल इंडिया लेवल पर ये कॉन्टेस्ट होता है पूरे पैन इंडिया स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो ये सेल्फ एनालिसिस का एक अच्छा तरीका है कि आपकी तैयारी कितने परसेंट हो गई है और इसमें बहुत सारे गिफ्ट्स भी आपको मिलते हैं ठीक है तो इस तरह से आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये और रिंकू लाइव कोड के साथ ये ये भी टेस्ट सीरीज आपका अनलॉक हो जाएगा राइस 5.0 पॉइंट जीरो वन अकेडमी पास फाइंडर पर आपका जी का टेस्ट सीरीज चल रहा है और वर्ल्ड अफेयर यू पी पर आपका करेंट अफेयर्स का ये फ्री है बिल्कुल कॉम्बैट की तरह ये भी फ्री है और मैं मुझे याद आया आज सेशन शुरू करने के 15-20 मिनट पहले कि मैंने आप लोगों का जो ज्योग्राफी एनसीआर जो मैंने कराई थी वो मैं भूल गई थी पीडीएफ शेयर करना आप लोगों के साथ मैंने कर दिया है आज तो ज्योग्राफी एन चैप्टर फोर्टीन का जो कल मैंने लिया था जैनिजम वो और आज का ये भी ये सारा पीडीएफ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ले लीजिएगा ये मेरा टेलीग्राम लिंक है और इस ग्रुप पर कुछ अठारह हज़ार से ज़्यादा बच्चे हैं और सब सारे ही जो है वहाँ जुड़े हुए हैं अच्छा लगता है आप लोग जुड़ रहे हो और बाकी तो फायदा भी तो है ही मेरे सेशन के सारे पीडीएफ वहीं पर मिलते हैं जो भी मैं क्लास लेने जाती हूँ उन सब का जो है नोटिफिकेशन मैं वहाँ पर शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ तो आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है इंडियन लिटरेचर और ये आप लोगों का 2020 में एक क्वेश्चन यहां से आ चुका है मेंस में और प्रीलिम्स में भी आता ही रहता है तो ये भी क्योंकि जब क्वेश्चन आ रहा है तो हम कही सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है तो ये जो है इसका हम लोग आज लिटरेचर जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि तो हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं ये हमारा शुरू होता है वैदिक पीरियड से ही वैदिक लिटरेचर से ही तो हमारे भारत के का इतिहास जो है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हो जाता है स्टोन एज तो सब जगह बराबर ही था भारत में भी था लेकिन साहित्य का इतिहास आपका शुरू होता है वैदिक एज से वैदिक काल से तो ये भी आप लोगों का वहीं से शुरू होगा और फिर धीरे धीरे हम सभी संस्कृत साहित्य बौद्ध साहित्य जैन साहित्य पाली साहित्य इन सब की हम लोग बात करेंगे आज ठीक है सिख साहित्य की बात करेंगे सब तो ये सब जो महत्वपूर्ण है आज हम लोग बात करेंगे और आप जैसा कि जानते हैं कि आज ये चार थोड़ा सा सेशन लंबा जाएगा दो घंटे से ऊपर क्योंकि इतना सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें और फिर नेक्स्ट सेशन में मैं जो बैलेंस होगा वो सारा करा दूंगी क्योंकि फिर एक सेशन में आप भी घबरा जाते हो है ना सबको गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू तो हम लिटरेचर की अगर बात करें तो ये लैटिन वर्ड लिटरेचुरा से लिया गया है लैटिन वर्ड लिटरेचुरा ज़्यादातर आप देखते हैं कि इंग्लिश के इंग्लिश के जितने भी टर्मनोलॉजीज हैं मोस्टली लैटिन वर्ड से लिए गए हैं जैसे कैसे हिंदी में आप कहते हो कि संस्कृत के इस शब्द से लिया गया है तो जो अंग्रेजी है अंग्रेजी के ज़्यादातर जो शब्द हैं वो लैटिन और ग्रीक भाषा से लिए गए हैं तो लिटरेचुरा भी लैटिन शब्द है और इसका मीनिंग क्या होता है कि अक्षरों से गठित लेखन यानी जो अक्षर हैं अक्षरों का प्रयोग करके जब आप उसको खूबसूरती खूबसूरती से आप भाव में पिरो देते हो तो उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं लिटरेचर साहित्य ठीक है तो ये ऐसे रूप को दर्शाता है जिसमें कुछ साहित्यिक गुण होता है साहित्यिक गुण जिसमें कल्पना भी होता है काल्पनिक भी होता है और गैर काल्पनिक भी होता है तो मेनली इसको दो विस्तृत रूप से अगर हम लोग देखें तो दो में हम लोग इसको विभाजित करते हैं तो काल्पनिक और गैर काल्पनिक ठीक है तो इसको हम लोग कहते हैं कि फिक्शियस और नॉन फिक्शियस फिक्शन कह देते हैं इसको फिक्शन और नॉन फिक्शन जैसे जब भी आप लिटरेचर पढ़ने जाते हो तो उसमें दो तरीके का होता है एक एकदम रियलिटी बेस्ड होता है उसको हम लोग जो है नॉन फिक्शन कहते हैं और एक फ़िक्शन होता है जब बादल उड़ रहे थे आसमां उमड़ घुमड़ रहा था और मेरा मन पंख की तरह दौड़ता हुआ वहाँ चला गया तो उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ये ये साहित्य की खैर भाषा होती है पर इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल काल्पनिक होता है कि ऐसा एक कल्पना किया जाता है कि एक ऐसा कोई शहर या ऐसा गांव दो कैरेक्टर जैसे फिल्म देखते हो आप लोग आप लोग पढ़ते हो साहित्य पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो आप लोग साहित्य पढ़ते हो आप लोग लिटरेचर पढ़ना चाहिए बहुत ही अच्छी चीज है चाहे आप लोगों का मीडियम इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो आपको लिटरेचर क्यों पढ़ना चाहिए आपको वहां से वो कैब मिलता है वो कैब यानी शब्द मिलते हैं आपको इसके साथ अपनी बात को कहने का तरीका भी मिलता है तो यही तो चाहिए आपको मेंस लिखने के लिए कि जो नॉलेज आप ले रहे हो उसको कैसे प्रेजेंट करना है और प्रेजेंट करने के लिए आप भाव सबके भीतर होते हैं पर हर कोई कवि नहीं बन पाता हर कोई साहित्यकार नहीं बन पाता है क्यों क्योंकि उनको वो बात कहना नहीं आता साहित्यिक तरीके से फिर ये भी एक होता है कि सारे अच्छे वक्ता नहीं होते वक्ता होने के लिए आत्मविश्वास के साथ साथ आपको जो है शब्दों का संकलन अच्छा होना भी जरूरी होता है तो चलो आप अच्छे अच्छे वक्ता कैसे बनोगे अच्छे लेखक कैसे बनोगे तो लेखक भले साहित्य मत लिखो लेकिन अपना उत्तर लिखने भर तो आपको आना ही चाहिए और इत ऐसा वक्ता तो आपको बनना ही चाहिए कि आप इंटरव्यू में इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस कर सको तो इतना आपको बोलने भी आना चाहिए और अपने आंसर से एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सको इतना आपको लिखना भी आना चाहिए ये दोनों चीज़ें आपको लिटरेचर से मिल जाएगा तो जब भी आपको टाइम मिलता है तो फिक्शन या नॉन फिक्शन जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप एक बार पढ़ो हालांकि फिक्शन बेस्ड तो अच्छा लगता ही है पढ़ने में हमें अपने दुखों से कष्टों से वो दूर कहीं एक अच्छी दुनिया में लेकर जाता है लेकिन फिर भी आपको आप देख देख लेना किस में आपको इंटरेस्ट आता है पर पढ़ने लोगों के तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए तो जैसे ये खुद मेरे घर में एक मेरे भाई थे वो तैयारी करते थे उन्होंने ही मुझे ये टिप दिया था और मैंने उसको फॉलो किया उसका बेनिफिट मुझे ये महसूस होता है कि आप खुद भी देखते होंगे कि जब मैं बोलती हूँ तो ठीक ठाक हिंदी में बोल लेती हूँ क्योंकि आ, वो नेचुरली निकलता है मुझे शब्द बहुत ढूंढने नहीं पड़ते और इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि मैं लिखती भी रहती हूँ बीच बीच में तो ये जब मैं लिखती हूँ तो वहाँ पर और भी अच्छे शब्दों का वो वहाँ पर तो सोच के लिखना होता है तो फिर शब्द का और अच्छा इस्तेमाल हो जाता है तो ये शुरू किया था इसीलिए कि मैं अच्छा आंसर राइटिंग कर सकूँ लेकिन वो धीरे धीरे एक आदत में शामिल हो गया तो जब ये आदत में शामिल हो जाता है तो आप कहीं भी बोलते हो कहीं भी कुछ लिखते हो तो आप में वो अडॉप्ट हो चुका है आपकी बाड़ी को बाणी ने अडेप्ट कर लिया है आपके हाथ ने अडेप्ट कर लिया है तो शब्द बार बार वैसे आते हैं तो ये दोनों पर अप्लाइड होता है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बूथ तो आप लोग इसको करके देखिए तो ये इसमें तो विस्तृत रूप से अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो दो एक फिक्शन बेस्ड होता है नॉन फिक्शन बेस्ड होता है और इसके अलावा फिर इसको दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है प्रोज एंड पोएम तो कविता फॉर्म को हम लोग पोएम फॉर्म कहते हैं और जो गद्य फॉर्म होता है उसको हम लोग जो है प्रोज कहते हैं तो या तो कविता के रूप में लिखा जाता है या फिर कहानी के रूप में गद्य के रूप में लिखा जाता है तो इन सब के भीतर जैसे देखो उपन्यास होता है लघु कथाएं होती है नाटक होता है ये ये सब गद्य गद्य पाठ में आ जाता है और जो काव्य होता है वो आपको जो है जनरली पोएम फॉर्म में लिखा जाता है तो ग्रीको रोमन काल के कुछ सबसे लोकप्रिय साहित्यिक महाकाव्य महा हैं जो उस समय लिखे गए और आप ये देखते हैं कि शुरुआत का जो लिटरेचर है वो मौखिक रूप से ही ओरली ही ट्रांसफर किया गया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बाद में इनको लिखा गया था तो आगे चलकर बहुत सारे जटिल भा... भाषा और जटिल होता चला गया कॉम्प्लेक्स होता चला गया आप ये कह कई बार आपने इतिहास में भी पढ़ा है कि बाढ़ भट्ट तक आते आते बहुत भाषा आडंबरपूर्ण हो गई थी यानी खूब बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ को पेश करना सीधे सीधे अपनी बात न कहकर किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना तो भाषा आप धीरे धीरे कह सकते हैं कि समृद्ध होती चली गई इसके साथ साथ ये प्रिंटिंग प्रेस आ गया प्रिंटिंग प्रेस के आने से भी और टाइपराइटर के आने से भी थोड़ा सा वो मिला कि पहले तो हाथों से लिखना होता था पर जब टाइपराइटर आ गया फिर कंप्यूटर आ गया तो वहाँ और लिखना आसान है तो लोग थोड़ा सा और कोशिश कर लेते हैं कि और अच्छा लिखो और थोड़ा सा इसमें अच्छे अच्छे शब्दों को डाल दो तो इस तरह से धीरे धीरे भाषा समृद्ध होती चली गई भाषा समृद्धि के साथ साथ वो तो जटिल होती चली गई तो इस तरह से अभी लिटरेचर लिखा जाता है इसमें दो और कैटेगरी आप देख लो आपने देखा फिक्शन नॉन फिक्शन है ना काल्पनिक और गैर काल्पनिक उसी में एक और रहता है, है आपका उपदेशात्मक और कथात्मक ये बार बार आप पढ़ते हो ना कि कौन सा ग्रंथ उपदेशात्मक है कौन कौन सा ग्रंथ कथात्मक है तो आप सोचते होंगे कि दोनों में अंतर क्या है तो यहाँ सिंघानिया जी ने दोनों का वो अच्छे से समझा दिया है आपको कि वो उपदेशात्मक और कथात्मक होता कौन कौन सा है तो जो ग्रंथ का जो प्रकार होता है ये जो उपदेशात्मक होता है इनको निर्देशक ग्रंथ डायरेक्टिव एपिक के तौर तो, पर जाना जाता है और ये पाठक की बुद्धि विवेक और चिंतन आचरण को प्रभावित करने का प्रयास करता है वो कहता है कि आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए जैसे आप लोगों को ये बताता है कि उसमें कुछ कुछ आ, आपको आ, उपदेश टाइप के होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है हमें ऐसे सोचना चाहिए हमें वैसा सोचना जनरली जो धर्म पर आधारित किताबें होती हैं ऐसी होती हैं और कथात्मक क्या करता है कि ये बस विषय के संबंध में जो विषय लिया गया है उस किताब को लिखने का उसके संबंध में जानकारियाँ देता है और पढ़ने वालों को वो समझ में आ जाए तो बस इतना इतना ही वो उसमें कोशिश रहती है कि जि जिस चीज़ की चर्चा है वो पढ़ने वालों को समझ में आ जाए ठीक है तो ये कथात्मक और उपदेशात्मक में अंतर है उद्देश्य क्या होता है तो लेखक का उद्देश्य होता है अगर उपदेशात्मक की बात करें तो लेखक का उद्देश्य होता है कि विशेष प्रकार से सोचने के लिए पढ़ने वालों को मनाना उपदेशात्मक ग्रंथों की कोशिश रहती है कि आपकी सोच को वो मोल्ड कर दे और आप उसी तरह से सोचने लग जाओ जैसे कैसे स्पीकर आपके आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं उसी तरह ये उपदेशात्मक जो ग्रंथ होते हैं और कथात्मक में ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आए उस किताब को पढ़ने में आपकी रुचि को वो जागृत करने की कोशिश करता है रुचि को बनाए रखने की कोशिश करता है तो कहानी को अच्छे से अच्छे एक फ्लो देने की कोशिश करता है तो बाकी इसका जो पर्पज़ है जो सामान्य पर्पज़ है एक तो उद्देश्य है सामान्य पर्पज होता है तो इसका प्रयोग होता है राजनीतिक या नैतिक समस्याओं के विषय में कौटिल्य का आप अर्थशास्त्र ले सकते हैं तो इसमें जो है विशेष रूप से उपदेशों धार्मिक ग्रंथों में उपदेश मिलता है और ये जो होता है इसमें आप गद्य का सबसे सामान्य प्रकार कहानी लेखन और उपन्यासों में ये मिलता है तो जो कहानी लेखन और उपन्यास होते हैं वो कथात्मक होते हैं और जो धर्म ग्रंथ होते हैं वो आपके उपदेशात्मक होते हैं तो उपदेशात्मक कथात्मक जैसे संगम ग्रंथ पढ़ते हो तो बार बार आता है ये तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि कई बार आप लोगों को ये पूछा जाता है तो हम लोग अगर बात करें तो भारत में जो है इसमें ऐसे भारत में तो ये कहा गया है कि चार प्रमुख वाक समूहों का अनुसरण किया जाता है तो चार प्रमुख वाक समूह तो आपको पता ही है कि कौन कौन से होते हैं तो आप लोगों का जो है ये द्रविड़ियन, आर्यन इंडो ये ऑस्ट्रियाटिक कहते हैं इसको और तिब्बतो बर्मन तो ये चार तरह का भाषा परिवार है ना भारत में इन चार भाषा परिवारों से मैंने आप लोग को लैंग्वेज पढ़ा दिया है और मैंने आपको बताया था कि इन चार भाषा परिवारों से कम से कम 1600 से ज़्यादा भाषाएं मिली निकली हैं वैसे कहीं सोलह सौ छप्पन आता है कहीं सोलह सौ बावन आता है तो ये थोड़ा अलग अलग आता है तो आप इसको याद रखिएगा कि सोलह छप्पन के आसपास भाषाएं निकली हैं भाषाएं है, ये इन चार भाषा परिवारों से तो इसमें जो है प्राचीन भारतीय साहित्य आम धारणा की अवज्ञा करता है इसका क्या मतलब हुआ नितिन सिंह जी कहते हैं कि आम धारणा की अवज्ञा करता है तो प्राचीन भारतीय जो साहित्य है वो आम लोगों की बात नहीं करता जो आप लोग वेदों में पढ़ते हो उपनिषदों में पढ़ते हो उसमें ऋषि मुनियों ने लिखा है उच्च वर्ग के लोगों ने लिखा है उच्च वर्गों के साथ डिस्कस करके क्योंकि जो ऋषि मुनि होते थे वो बहुत विद्वान होते थे सॉरी पढ़े लिखे लोग होते थे तो वो लोग इसको जो है करते थे लिखते थे तो उसमें जो उस समय जो आम लोग होते थे हम जैसे लोग तो हम क्या सोचते हैं उन बातों को नहीं कहा गया है तो उसी की बात वो करते हैं कि इसमें जो है ये उच्च वर्ग तक ही सीमित है तो और धार्मिक लक्ष्य से लिखा गया है तो यानी इसमें धार्मिक लक्ष्य है यथार्थवाद और नैतिक मूल्यों से यह भरा हुआ है तो इसमें सबसे प्रमुख सम, लोकप्रिय समूह कौन सा है वेद तो वेद वेद जो है उसमें धार्मिक अनुष्ठानों के साथ ही दैनिक स्थितियों में उपयोग किए जाने वाले पवित्र ग्रंथ भी हैं जैसे अथर्ववेद है अथर्ववेद में दैनिक जीवन से संबंधित बातें कही गई हैं तो वही कहा गया है कि इसमें धार्मिक अनुष्ठान के लिए तो मंत्र दिए ही गए हैं साथ में आप रोजमर्रा के जीवन में दैनिक जीवन में जो यूज होने वाली उपयोग होने वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी कही गई है फिर इसी खंड में हम लोग बात करेंगे इस अवधि के दौरान प्राचीन काल में संस्कृत पाली और अर्धमाग्धी काव्यों की भी रचना हुई तो हम लोग इसी चैप्टर में बात करेंगे इसकी भी तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वेद की तो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत बार आप लोगों ने इस वेदों को पढ़ा है अभी आप वेदों को पढ़ोगे साहित्यिक दृष्टिकोण से लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप वेद को पढ़ेंगे कि वेद वेद क्या है वेदों की क्या वैल्यू है तो वेद शब्द वेद शब्द ज्ञान का प्रतीक माना जाता है जैसे ही वेद शब्द आया तो आप समझ लो कि अब ज्ञान की बातें होंगी वेद का मतलब ज्ञान कहा जाता है कि वेदों में अथाह ज्ञान छुपा हुआ है यह दयानंद सरस्वती ने भी कहा विवेकानंद जी ने भी माना सबसे ज्यादा तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों में अपनी अपना विश्वास प्रकट किया था आप लोगों को पता है तो वेद शब्द ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और पृथ्वी पर और उससे परे यानी पृथ्वी पर और पृथ्वी से आगे मृत्यु मित, के बाद क्या है कुछ लोग पाताल की बात करते हैं कुछ लोग जो है स्वर्ग की बात करते हैं तो पत, है ना तो ये उससे परे भी जैसे पृथ्वी पर हैं तब और जब पृथ्वी से चले जाएंगे तब हमारे जीवन का संचालन कैसे होगा वो मनुष्य को ज्ञान उपलब्ध कराता है इस बारे में कि कैसे आप अपना लोक पर लोग सुधारोगे ठीक है तो काव्यात्मक शैली में लिखा गया है वेदों को यानी वेदों वेद जो है पोएम फॉर्म में है काव्य शैली में वेदों को लिखा गया है और ये जो वेद हैं, इसमें ब्राह्मण परिवारों की पीढ़ियों के द्वारा मौखिक रूप से ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया था तो मेनली वेदों को ब्राह्मणों ने ही लिखा जो संत ऋषि उस समय मेनली ब्राह्मण हुआ करते थे और या फिर कर्म के आधार पर भी एक तरह से आप कह सकते हो कि वैदिक परंपरा में जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी तो कर्म के आधार पर जातियाँ बन बंटती थी प्रारंभ में बाद में ये जन्म से निर्धारित होने लग गया था तो आप ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण वो सब कहे गए जिन्होंने पठन पाठन और शास्त्र शास्त्र पढ़ने का काम किया वो सारे के सारे लोग ब्राह्मण कहे गए जो कि पूजा पाठ तपस्या वगैरह ये करते थे वो सभी ब्राह्मण कहे गए और उन्होंने ही वेदों को रचा और उन्होंने ही इसको पीढ़ी दर पीढ़ी इसको जो है आगे की तरफ हस्तांतरित किया ट्रांसफर किया तो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि 1500 से 1000 हजार ईसा पूर्व के आसपास इन्हें संकलित किया गया तो संकलित नहीं किया गया संकलित किया गया इतिहासकार कहते हैं संकलित किया गया उनका एक कलेक्शन रखा गया सिर्फ लिखा नहीं गया कंपोज किया गया ठीक है तो हिंदू परंपरा में इनको काफी पवित्र माना जाता है कहा जाता है कि वेदों को खुद ईश्वर ईश्वरीय वाणी है ऐसा माना जाता है इसमें क्योंकि इसको दैवीय उत्पत्ति ही मान करके और ये मान करके कि देवताओं ने मार्गदर्शन किया है देवताओं के द्वारा बताया गया है कि आपको किस मार्ग पर चलना चाहिए वो सभी बातें वेदों में है तो यही सोच के वेदों को ज़्यादा पवित्र माना जाता है आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा अगर आपके घर में कोई धार्मिक पुरुष होंगे जो इस तरह के ग्रंथों को पढ़ते होंगे तो आपने ये देखा होगा कि इन ग्रंथों को आ, ऐसे नहीं पढ़ा जाता इन ग्रंथों को हाथ हाथ पैर धोकर पहले खुद को पवित्र कीजिए फिर उसके बाद एक ऐसी आती है पीढ़ी सी ऐसे किताब रखने जैसे नीचे से वो उसमें स्टैंड बना रहता है और ऐसे वो खुल जाता है और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर फिर वेदों को रखा जाता है चाहे वेद हो उपनिषद हो जो भी इस तरह के धार्मिक ब्राह्मण साहित्य हैं उनको ऐसे रख के लोग और ऐसे बहुत श्रद्धा से पढ़ते हैं आप लोगों ने देखा है ना बस बस हो गया राम राम जी हो गया हो गया कोरोना वायरस तो यही इस, इसकी पवित्रता का प्रमाण है इसकी पवित्रता का प्रमाण यही है कि इसको लोग इस तरह से पढ़ते हैं जनरल किताब की तरह यूं ऐसे लेकर के ऐसे कभी ऐसे पढ़ना शुरू नहीं करते है ना तो ये चीज इसकी पवित्रता का प्रमाण है और हमारे जीवन पर भी इनका बहुत प्रभाव है तो ये ब्रह्मांड और उसके निवासियों को एक बड़े परिवार का हिस्सा मानते हैं और वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं कि पूरा विश्व एक कुटुंब पूरा विश्व एक परिवार है एक कुटुंब की तरह है यानी सब फिर ये फिर ये पाठ पढ़ाता है कि सबसे फिर प्रेम करो सबसे प्रेम करो सब सबको जो है श्रद्धा दो अपनी किसी से नफरत मत करो वसुधैव कुटुंब कम वसुधा पृथ्वी को कहते हैं और इस पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सब आपके कुटुंब के हिस्सा हैं आपके परिवार के हिस्सा हैं तो एक परिवार समझो है ना वेद कहते हैं तो वेदों का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है ये ये इतना कुछ वेदों के पृष्ठभूमि पर क्यों लिखते हैं या वेदों के ऊपर इतना कुछ नितिन सिंह हानिया जी ने लिखा है सीधा वो ऋग्वेद से शुरू कर सकते थे कि अगर आपको आर्ट एंड कल्चर के पेपर जैसे जीएस पेपर वन का आपका फर्स्ट यूनिट है तो अगर वहाँ पर आप लोगों से पूछ लिया गया कि वेद वेदों को ईश्वरीय ज्ञान के रूप में देखा गया है आप उससे क्या समझते हैं अपनी राय दें टिप्पणी करें तो आप क्या लिखेंगे फिर उस पर तो उसके लिए यह है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उसी क्वेश्चन में इस तरह के प्रश्नों में थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो सकता है तो ऐसे सभी प्रश्नों में आप ये सब लिखेंगे या फिर आप ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वे वेदों को भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा या भारतीय साहित्यिक परंपरा का एक अभिनंग माना गया है ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है तो इस पर आप ये सारी बातें लिखेंगे ठीक है तो इस तरह से जो है ये वसुधैव कुटुंबकम का ये उपदेश देता है चार वेद हैं तो आपको रटा हुआ है कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद तो चार वेद और इसको मुख्य रूप से ऋषि कहलाने वाले लोगों ने इसको जो है लिखा ज्ञानियों और कवियों ने लिखा जो कि ऋषि कहलाते थे इस तरह के ठीक है तो सभी वेदों में यज्ञ को प्रमुखता दी गई है यज्ञ का को ब्राकेट में यहां बलि कहते हैं सिंघानिया जी कि यज्ञ में हवन जरूर होता था तो उस हवन में जो भी चीज़ चढ़ाते थे वो आपका एक बलि का रूप होता था जो भी आप अग्नि में डालते थे वो एक उसका रूप होता था तो ब्राह्मण उपनिषद अरण्यक, ये सभी वेद के साथ जुड़े हुए हैं यानी पहले वेद लिखे गए वेदों से ही ये सभी चीजें जुड़ी हुई हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद की तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना इसीलिए आप इतिहास में पढ़ते हो ऋग्वैदिक पीरियड और फिर उत्तर वैदिक लेटर वैदिक पीरियड में तीनों वैद लिखे गए थे तो ये सबसे पुराना एक इसमें इस अलग अलग सुक्त हैं सुख्ताज जिनको आप कहते हो वन एट, और इसको इंडो यूरोपियन भाषा में पहली व्यापक रचना कही जाती है तो इंडो यूरोपियन भाषा तो आप लोगों के लिए है भाषा पहले ही पढ़ चुके हैं हम तो ये आर्य जो कि भारत में आए थे कहा जाता है कि आर्यों की वही टोली यूरोप में गई और दोनों भाषाओं में काफ़ी साम साम्यता देखी जाती है भारतीय भाषा हो चाहे यूरोपीय भाषा हो तो इसी को मिला करके भारोपीय भाषा कहा गया तो कहीं कहीं आप इंडो यूरोपीय को ही भारोपीय भाषा देखते हैं भारोपीय भाषा के रूप में इंग्लिश में इंडो यूरोपियन कह देते हैं तो ऋग्वेद इंडो यूरोपियन भाषा में लिखा गया है और इतिहासकार कहते हैं कि 1500 से 1200 सौ ईसा पूर्व के आसपास इसको कंपोज किया गया था संकलित किया गया था तो वैसे तो सबसे मान्य डेट 1500 ही है तो हम ऋग्वैदिक पीरियड को 1500 से 1000 मानते हैं तो लेकिन कहीं कहीं विवाद है कुछ कुछ इतिहासकार इसको बारह सौ कह देते हैं तो कुल मिलाकर के हम इनको इसी टाइम स्पैन में रख सकते हैं 1500 से 1200. तो यहाँ पर बहुत जिद नहीं करनी है कि नहीं 1500 ही क्योंकि ये तो सब अनुमान ही लगाया गया है उस समय की परिस्थितियों की जैसे ऋग्वेद में मान लो जो चीज़ें लिखी गई हैं फल फ्रूट्स जानवर इन सब की जो बात आती है तो हम खुदाई से भी ये सारी चीज़ें मिली हैं तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा ये जानवर कब आ गया होगा ये फल कब उगने लग गया था इंडिया इंडियन रीजन में ये नदी कब बहती थी नदी का वो तो एज निकाला जा चुका है साइंटिफिक तरीके से कि कितनी पुरानी है तो उसके आधार पर ही हमने इन वेदों के समय को भी निश्चित किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर जो है टेंटेटिव रहता है थोड़ा सा तो वेद जो है इनका ध्यान जो है ऋग्वेद का स्पेशली सांसारिक समृद्धि और प्राकृतिक सुंदरता पर केंद्रित है ये और ये ग्रंथ जो है अलग अलग काल और लंबाई की दस पुस्तकों में संगठित है तो दस पुस्तक को क्या कहते हो आप लोग दस पुस्तक को आप लोग कहते हो दस मंडल तो आपने सुना है ना कि एक हजार अट्ठाईस सूक्त और दस मंडल तो ये अलग अलग ये बुक है ये टेन वॉल्यूम है जिसको आप मंडल कहते हो टेन वॉल्यूम्स तो अलग अलग काल की अलग अलग समय की यानी पंद्रह सौ से यानी हजार 500 सालों में ये दस मंडल जो है लिखे गए हैं तो प्रत्येक मंडल में कई सूक्त या श्लोक सम्मिलित है कुल मिलाकर एक हजार अट्ठाईस है और सामान्यतः इसमें विषय क्या रखा गया है जीवन मृत्यु सृष्टि के बारे में बलिदान के बारे में दैवी आनंद सोम की आकांक्षा यानी सोम रस पर ऐसे यही ये, ये सब विषय इसमें लिया गया है तो जिसमें जो है जीवन मृत्यु सृष्टि बलिदान दैवीय आनंद इन ये सब विषय रखे गए हैं इसमें जो आप अपने इतिहास में पढ़ते हैं कि इसमें प्रार्थनाएं दी गई हैं पुत्र प्राप्ति के लिए धन की प्राप्ति के लिए गाय की प्राप्ति के लिए तो समस्त ऋग्वैदिक देवताओं को विशेष रूप से इंद्र देवता को ये समर्पित है ये सभी जो है कई देवता हैं कई देवताओं के नाम पर ये सूक्त हैं इसमें विशेष रूप से इंद्र देवता के नाम पर तो आप लोगों ने पढ़ा है इतिहास में कि इंद्र के नाम पर 250 सूक्त सुक्त हैं इसमें अग्नि के नाम पर 200 सौ सूक्त हैं तो इन दोनों को जैसे इंद्र को सबसे शक्तिशाली माना जाता है दूसरे नंबर पर अग्नि को रखा जाता है बाकी और जो प्रमुख देवता है वरुण हैं जो जल के देवता माने जाते हैं रुद्र हैं जो पवन और तूफान के देवता माने जाते हैं आदित्य ये रुद्र ही सूर्य के आदि रूप माने जाते शिव के आदि रूप माने जाते हैं आदित्य सूर्य देव वायु तो ये वायु जो है ये आपके ये अश्विन अश्विन भाई माने देखे जाते हैं कुछ नारी देवियां भी हैं इसमें तो उषा जो कि भोर की देवी मानी जाती हैं पृथ्वी तो पृथ्वी माता तो ये है ही वाक् वाक देव की देवी वाक् देवी तो सरस्वती को कहते हैं तो उसमें सरस्वती नाम नहीं है वाक देवी कहते हैं तो देवी को समर्पित की गई तो ये कुछ देवी हैं उषा पृथ्वी देवी इनके नाम पर भी श्लोक है यजुर्वेद तो यजुर्वेद यजु शब्द से निकला है और शब्द यज्ञ का प्रतीक माना जाता है यजुर्वेद यजु शब्द से निकला और ये यज्ञ का प्रतीक माना जाता है और ये वेद वैदिक काल में कई तरह के जो यज्ञ होते थे उस वो यज्ञ कैसे संपन्न किया जाएगा यज्ञ को कैसे किया जाएगा तो उन्हीं विधि विधानों को ये लिखता है और उन्हीं कर्म कांडों पर ये केंद्रित है यजुर्वेद तो यजुर्वेद के दो प्रमुख ग्रंथ हैं आप लोगों को पीसीएस में तो खास तौर पर ये पूछा जाता है तो यजुर्वेद के दो प्रमुख ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष सुना है ना आप लोगों ने तो शुक्ल पक्ष का मतलब होता है उजाला जब फुल मुन होता है धीरे धीरे घटना शुरू करता है पर वो जो है काफ़ी रोशनी रहती है तो उस शुक्ल पक्ष कहते हैं वही हम लोगों ने बांटा हुआ है फिफ्टीन टू फिफ्टीन डेज पर तो शुक, शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद यानी श्वेत शुद्ध और कृष्ण यजुर्वेद यानी काला अंधेरा तो यजुर्वेद की दो प्रमुख संहिताएं हैं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद तो ये भी याद रखिएगा आप लोग तो इसको जो है इस संहिता को बासने और तैतरीय संहिता भी कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद को बासनेई और तैतरीय ये कृष्ण को तैतरीय संहिता भी हम कहते हैं और ये एक अनुष्ठानिक वेद है तो बासने संहिता और तैतरीय संहिता भी किससे जुड़ा हुआ है तो ये भी आपका यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है तो इसको भी याद रखिएगा और यजुर्वेद जो है आपका बस यज्ञ यजुर्वेद यज्ञ ऐसे करके आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से ऋषि और पुजारियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करता है कि आपको कौन सा कर्म कांड कौन सा यज्ञ कौन सा हवन कौन सा पूजा कैसे करना है तो ये एक तरह से मार्गदर्शक बनता है ये क्योंकि इसमें मुन ऋषि मुनियों ने पूरा विधि विधान लिख छोड़ा है अब बात करते हैं हम लोग सामवेद की तो सामवेद का नामकरण समन के नाम पर हुआ है समन एक राग है तो इसी से समझ जाओ कि संगीत तो ये राग है ये तो ये पूरा का पूरा सामवेद गीतों पर केंद्रित है कि वो जो आप कहते हैं कि जो ऋग्वेद की जो मूल ऋचाए हैं उनको कैसे गाया जाएगा उसका पूरा विधि विधान सामवेद में ही दिया गया विधि विधान मत को कह दो कि उसी में कंपोज किया गया है जैसे कैसे लिरिकिस्ट लिखता है और उस लिरिक्स को जो संगीतकार होते हैं जैसे आजकल आप लोगों ने सुना है जतिन ललित लक्ष्मण प्यारेलाल <coughs> और आजकल विशाल शेखर कई तरह के ऐसे ऐसी जोड़ियां हैं और ऐसे ही एक संगीतकार ए आर रहमान भी हैं वो गाते भी हैं और कंपोज भी करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं उनको किस तरह से गाया जाएगा उसको वो डिजाइन करते हैं या कह लीजिए कि कंपोज करते हैं और फिर वो सिंगर को बता दिया जाता है कि तुमको ऐसे गाना है फिर वो अपनी मधुर अपनी मधुर आवाज़ में वो गा देता है तो वही ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उनको किस तरह से उनका उच्चारण किया जाएगा क्योंकि वो ऐसे नहीं पढ़ा जाता ओम भूबा ऐसे नहीं पढ़ा जाता उसको एक तरीका है तो वही तरीका इसमें दिया गया है कुल अठारह इसमें जो है श्लोक हैं 1875 इतिहासकार कहते हैं कि 75 मूल है और बाकी सब ऋग्वेद से लिया गया है ऋग्वेद की शाकल शाखा से ले लिया गया है इसको ठीक है तो ये सामवेद है आपका तो सामवेद सामवेद के श्लोक जो है इसमें पृथक छंद और सोलह हजार राग और राग्निया भी इसमें मिलती हैं सोलह हजार इसमें श्लोक मिलता है अलग छंद मिलते हैं और सोलह हजार राग राग्निया मिलती हैं और इसीलिए इसको गायन पुस्तक कहा जाता है भारतीय संगीत का पहला कोई प्रामाणिक ग्रंथ है प्रतीकात्मक ग्रंथ कह सकते हैं कि भारतीय संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई है तो हम कहते हैं कि सामवेद। तो उसी का आप एक एक तरह से कह सकते हैं कि संगीत की परंपरा हमारे यहां पर काफी पुराना रहा है अब बात करते हैं अथर्ववेद की तो इस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है कहते हैं कि उन्होंने ये रचा इसको और इसके लिए क्रमशः अथर्व अंगिरा नामक दो ऋषियों को श्रेय दिया जाता है अथर्व और अंगिरा ये दो ऋषि थे जिन्होंने अथर्व वेद को लिखा और इसमें जो है इसके कारण जो है इसको अथर्वांगस भी कहते हैं अथर्व ठीक है अथर्व कभी शब्द आए तो कह देना कि यह अथर्ववेद के लिए है ऑप्शन में दिया भी रहेगा आपका तो ये जो अथर्ववेद है ये मुख्य रूप से मानव समाज की शांति और समृद्धि से संबंधित है जैसे आपने देखा कि ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति दी गई है यजुर्वेद में यज्ञ का विधि विधान दिया गया है सामवेद में ऋग्वेद की ऋचाओं को किस तरह से उच्चारण किया जाएगा गाया जाएगा वो दिया गया है लेकिन ये जो अथर्ववेद है ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ हमारे शांति के लिए हमारे कल्याण के लिए कुछ विधि विधान बताता है अथर्ववेद तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ के दैनिक जीवन के सभी पहलुओं को ये छूता है और कई रोगों के उपचार पर भी केंद्रित है क्योंकि इसमें आयुर्वेद का जन्म अथर्ववेद से ही माना जाता है तो कई तरह की जड़ी बूटियों के बारे में इलाज के बारे में भी इसमें दिया गया है तो इस ग्रंथ को लगभग निन्यानवे रोगों के लिए उपचार परामर्श के लिए जाना जाता है कि ऐसे इस ग्रंथ में निन्यानबे रोगों के उपचार निन्यानवे रोगों का उपचार बताया गया है तो इस ग्रंथ से हेल्प ली जाती है तो इस तरह से हम इसमें देखो किसी देवता को खुश करने के लिए कोई ग्रंथ की नहीं कहेंगे क्या कहेंगे ये मनुष्य के लिए सोच रहा है ये ग्रंथ तो पिपलाद और शौनकीय इस ग्रंथ के दो प्रमुख शाखाएं हैं जैसे बासने संहिता आपने पढ़ा उसी तरह से पिपलाद और शौनकीय है तो पिपलाद और शौनकीय किसकी शाखाएं हैं तो अथर्व की हैं और अधिकांश ग्रंथ इसमें जो है चिकित्सा काले जादू और सफेद जादू उस पर आधारित है इसीलिए इसको कहीं-कहीं अनार्य वेद भी कहते क्योंकि जो आर्य थे वो ब्लैक मैजिक जादू टोना, में विश्वास नहीं करते थे तो कहते हैं कि जहां जादू टोना भूत प्रेत आ गया वहां ही पर आप समझ लो कि जनजाति जनजातीय जन समाज था तो आप तो भूत प्रेत में नहीं विश्वास करते ब्लैक मैजिक में जो ब्लैक मैजिक में विश्वास करते हैं इसका मतलब समझ लो कि आप में अभी वो जो आदि मानव जब आप थे और जब आप फिर थोड़ा सा प्रोग्रेस करके जनजातीय तरीके से रहने लग गए थे तो आप में अभी तक वही लक्षण मौजूद है क्यों क्योंकि ये सभ्य समाज इसमें विश्वास नहीं करता है पर हम उसको अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं देखो कितनी मूवीज़ बनती हैं हॉलीवुड मूवीज़ बनती हैं बॉलीवुड मूवीज बनती हैं जिसको आप हॉरर मूवीज के तौर पर जानते हो कितने सारे सीरियल्स बनते हैं पर यह सब मन का भ्रम होता है इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए यहाँ तक कि गृहस्थ जीवन की दैनिक समस्याओं के मुद्दों को भी यह स्पर्श करता है थर्विद गृहस्थ जीवन तो गृहस्थ जीवन में कई दैनिक मुद्दे आते हैं ना पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है बच्चा बीमार हो जाता है कई बार कोई ऐसा संकट आ जाता है जिसका तुरंत समाधान जरूरी है जैसे कोई अतिथि आ गया तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं तो दैनिक जीवन से संबंधित चीजों को भी छूता है ये बहुत महत्वपूर्ण है ब्राह्मण वेद लिखे गए वे, वेदों के को, को लिखने के बाद इसके ब्राह्मण लिखे गए ब्राह्मण क्या है सभी वेदों के दो दो हैं एक के एक दो के एक एक हैं दो, दो के दो दो हैं तो ये ब्राह्मण क्या है तो ब्राह्मण को आप कह सकते हैं कि ये हिंदू श्रुति साहित्य का ही भाग है इसको श्रुति साहित्य कहते वेद, उप सब साहित्य कहे जाते हैं श्रुति साहित्य क्यों कहते हैं क्योंकि ये सुन सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित हुआ तो ब्राह्मण श्रुति साहित्य का भाग है और ये प्रत्येक वेद के साथ एक एक ब्राह्मण संलग्न है जो अनिवार्य रूप से जो है एक तरह से नेट पर टिप्पणी वाले ग्रंथों का संग्रह इन पर जो टिप्पणी किया जाता है ये कहते हैं कुल मिला के सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लो कि जो ब्राह्मण है ये गद्य भाषा में लिखे गए हैं वेदों के बारे में आपने क्या पढ़ा कि वेद काव्य के रूप काव्य फॉर्म में है पोएम फॉर्म में है और उन्हीं को सिंपलेस्ट तरीके से सरल भाषा में लिखा गया उन्हीं को हम ब्राह्मण कहते हैं और ब्राह्मण में कुछ कुछ चीजें और ऐड हो गई जैसे कुछ यानी जो कुछ कहावतें किस्से कहानियां मशहूर रहती हैं कुछ फैक्ट्स, कुछ फिलॉसफी अनुष्ठान इन सबों का ये मिश्रण है तो कुल मिला के मान्य परिभाषा अगर ब्राह्मण का आपको याद करना है तो आप यही याद रखिएगा कि वेदों का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वेदाज वेदों का सरल रूप क्योंकि वेद जो है इंडो भारोपीय भाषा में और वैदिक संस्कृत में लिखा गया है वैदिक संस्कृत थोड़ा टफ होता है ऊपर से काव्य और भी टफ लगता है आपको लगता है ना कहानी पढ़ना आसान लगता है पोएम पढ़ना उसका मीनिंग निकालना फिर उस पर आंसर राइट लिखना आपको टफ लगता है जैसे आप हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर टेंथ तक तो आपने पढ़ाई है तो आपने महसूस किया होगा तो वही चीज किया गया है ब्राह्मणों में तो उचित प्रकार से कर्मकांडों का संचालन होता रहे यज्ञ का जो है विज्ञान उच्चारित करने के विषय में भी निर्देशों का इसमें समावेश है और अनुष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले पवित्र शब्दों का प्रतीकात्मक महत्व भी इसमें समझाया गया है कि जो शब्द इस्तेमाल होते हैं ना अनुष्ठान के समय कि ये यज्ञ आहुति क्या है पंचामृत क्या है और क्या क्या तो उसमें जो होता है उन सब का मीनिंग इसमें समझाया गया है ठीक है तो तिथि निर्धारण इसका सही तरीके से नहीं हो पाया है विद्वानों में काफी इसमें मतभेद है तो लगभग ऐसे अनुमान मन मान लीजिए कि 900 से 700 सौ ईसा पूर्व के बीच इनकी रचना हुई है तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण एतरे और कौशित की सामवेद के दो ब्राह्मण आपके तांडे महाब्राह्मण और सातविंश ब्राह्मण ठीक है और यजुर्वेद का तैतरी और शतपथ और अथर्ववेद का गोपथ तो थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज चेंज है इनका मतलब अगर आप इसको जैसे आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं इन वेदों के ब्राह्मणों को थोड़ा सा आसान भाषा में हर जगह आपको मिल जाएगा वैसे आप लोगों को याद भी रखना है क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है ये हमेशा आप लोगों से पूछा जाता है ठीक है तो इसको जो जैसे है आप इसको ईजी भाषा में याद कर लीजिए तो ऐतरे एवं कौशित्य की एतरेम कोशित की आपका हो जाएगा ऋग्वेद का और इसको जो है ये एक तो सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए कि तीन तीन के दो दो हैं और एक का एक है यानी ये अथार्वेद का इकलौता है है ना अथार्वेद का आपका इकलौता हो गया और उसके बाद आप लोगों का जो इसका तीन का जो याद रखना है उसका अपना एक कोड बना लीजिएगा ठीक है तो इस तरह से आपका हो जाएगा तो ऋग्वेद ऐत्रियम कौशित की हो गया यजुर्वेद का आपका जो है सतपथ और तैतरीय कहते हैं सामवेद का पंचविश और तांडव तांडव कहते हैं और आपका जो है अथर्वेद का गोपथ हो गया तो इस तरह से है मतलब सदविंश ब्राह्मण को सदविंश ब्राह्मण को जो है आप सतपथ सतपथ भी कह सकते हैं वैसे ये शतपथ अलग है सद्वीथ भी सद्वीथ कह भी कहते हैं इसको तो इस तरह से आप याद कर लीजिए इसको पुरोहित सबके पुरोहित होते थे गाने वाले जो होते थे सबके अलग अलग होते थे जैसे ऋग्वेद का जो है आपका अधर्वयु कहते थे ऋग्वेद का होता ठीक है इन सबके सबके गाने वाले अलग अलग इन सभी के ब्राह्मण होते थे क्योंकि ना ये पुरोहित पुरोहित कह लीजिए या ब्राह्मण कह लीजिए जो इन वेदों को पढ़ते थे समझ रहे हो आप लोग कोई जैसे मान लो वेद वेद लिखा गया है वैदिक संस्कृत में तो पढ़ेगा कौन इनको तो इनको पढ़ने के लिए कोई ना कोई चाहिए तो इसके लिए वो होते थे तो ऋग्वेद का जो होता था उसको होता कहते थे शाम वेद का उद्गाता कहते थे यजुर्वेद का अधर्वयु कहते थे और अथर्ववेद का कुछ ऐसा नहीं आता है अथर्ववेद का आप समझ लो कि ये अथर्व अंगिरस ऋषि आपने देखा ही तो शायद वही लोग होंगे क्योंकि ये ब्रह्मा है तो इन तीन का ही आपको पूछा जाता है तो इनका हो, होता या होत्री सामवेद उद्गाता उदगाता और यजुर्वेद अधर्वयु तो ये पुरोहित होते थे इनके आप लोगों के कमेंट सेक्शन में किसी का मैंने पढ़ लिया था तो लगे हाथ मैंने बता दिया तो वेदों के ब्राह्मण और पुरोहित को याद रखिए कि कौन कौन से ब्राह्मण तो तीन के दो दो और एक का एक लौता है अथार गोपथ और बाकी ये ठीक है तो अरण्यक आपका उसी क्रम में इन्होंने लिखा है इसी क्रम में आप लोग याद रखिएगा सबसे पहले वेद लिखे गए फिर वेदों के ब्राह्मण लिखे गए और फिर अरण्यक लिखे गए तो जो अरण्यक होता है अरण्यक भी वेदों से ही जुड़ा है और अरण्य तत्सम शब्द है जंगल का वन का और वो उसमें वन में भी जो बहुत बिहड़ वन होता है उसको अरण्य कहते हैं बिहड़ वन समझ रहे हैं आप यानी जंगल के भीतर एकांत एक में जो ऋषि मुनि रहते तो ऋषि मुनि एक तो पहाड़ों पर रहते हैं और कुछ ऋषि मुनि पहाड़ों पर जैसे मंदिर मंदिर केदारनाथ के, के आसपास और कुछ ऋषि मुनि चले जाते हैं एकदम हिमालय के ऊपर जहां कोई ना मिले उनको तपस्या करने के लिए तो उसी तरह से जंगल के भी, भीतर एकदम एकांत एक में रह करके जिन्होंने इसको लिखा तो इसीलिए इसको अरण्य कहा गया क्योंकि ऋषि वो उन्हीं ऋषि मुनियों ने इसको लिखा तो कई दृष्टिकोणों को इनमें सम्मिलित जो है कर्मकांड और यज्ञ के पीछे दर्शन का ये वर्णन करता है तो ये विषय सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है ये इसको याद रखिएगा कि अरण्यक और उपनिषद में क्या फर्क है आप लोगों का एक बार यहां से क्वेश्चन आ चुका है कि अरण्यक अरण्यक में क्या है और उपनिषद में क्या है तो वेदों में जो सम्मिलित कर्म कांड हैं और यज्ञ के पीछे क्या दर्शन है ये उसी का वर्णन करते हैं क्योंकि वैदिक जो अनुष्ठान है वो कर्मकांडीय हैं है तो वेदों को ही हम अनुष्ठान कह देंगे क्योंकि वेदों वेद अनुष्ठान को महत्व देते हैं तो वो उन अनुष्ठानों के पीछे और यज्ञ के पीछे क्या दर्शन है क्या दर्शन का मतलब कारणों सहित उसकी व्याख्या उसी 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 को उसी की बात करता है अरण्यक तो ये उपनिषद वो हो गया एक तरह से कह सकते हैं कि विपरीत हो जाएगा क्योंकि उपनिषद कर्म कांडों की बात ही नहीं करता उपनिषद सिर्फ ब्रह्म की बात करता है और ये जो है वैदिक कर्म कांडों की व्याख्या करता है उन दर्शन का वर्णन करता है तो जन्म मृत्यु के चक्र के साथ साथ आत्मा की जटिलता के विषय में कर्मकांडीय सूचनाओं का संकलन है ये कर्मकांडीय का ठीक है तो कर्मकांडीय व्याख्या है ये भी जन्म मृत्यु जीवन मृत्यु के चक्र से कैसे छूट का इन सब की बात यह भी करता है इसमें भी वो दर्शन है लेकिन यह कर्मकांडीय रूप से करता है ये तो इसके विषय को याद रखिएगा यहाँ क्योंकि कई बार विषय ही पूछा जाता है और आप लोगों को उपनिषद और अरण्यक में कन्फ्यूजन होता है ठीक है तो ब्राह्मणों के मामले में भी ऐसा ही है कि प्रत्येक वेद का एक ब्राह्मण है और यह तर्क दिया जाता है कि वनों की सीमा के भीतर रहने वाला जो है रहने वाले ये मैं आपने आपको बता दिया कि वनों में जो रहते थे उन्होंने इसको लिखा था उपनिषद तो उपनिषद जो है उ प नि स और द बनाया ना आपका चार कितने अक्षर है पांच उपनिषद तो उ का मतलब है पर पग पैर नी नीचे स प अद बैठना यानी पैर के नीचे बैठना शिक्षक तो इसको कहते हैं एक शब्द में एक शब्द नहीं एक लाइन में एक लाइन में इजी तरीके से कहना चाहें आप तो आप कहेंगे कि गुरु के समीप बैठना उसको कहते हैं उपनिषद तो इसमें क्या है इसमें वो ज्ञान है जो गुरु के पास बैठ कर लिया गया है तो शिष्य ने प्रश्न किया है और गुरु ने उसका जवाब दिया है तो उपनिषद प्रश्नोत्तर के रूप में है तो इसीलिए इसको कहते हैं गुरु के समीप बैठना और 200 से भी अधिक ज्ञात उपनिषद है हमारे पास 200 से भी अधिक लेकिन प्रामाणिक रूप से जो मूल रूप से संपूर्ण तरीके से जो प्राप्त हुए हैं तो वो 108 है वैसे 200 से भी अधिक है ये कहते हैं तो इसमें जो है मौखिक रूप से ये भी प्रेषित किया गया ये भी श्रुति साहित्य का हिस्सा है गुरु परंपरा शिष्य पर गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है ये भी संस्कृत में लिखा हुआ है और मुख्य रूप से इसमें मठ मत, मठवासी और रहस्यमय अर्थों में वेदों का ये विवरण देते हैं तो इसमें मुख्य रूप से जो बात की गई है वो बात की गई है आत्मा और ब्रह्म की और क्योंकि इसे वेदों के अंत में जैसे वेद लिखे गए फिर ब्राह्मण लिखे गए फिर अरण्यक लिखा गया और अंत में उपनिषद लिखा गया है तो इसीलिए इसको वेदांत भी कहते हैं और उपनिषद को मानव जीवन के विषय में सत्य और मानव मुक्ति या मोक्ष की ओर मार्ग दिखलाने वाला कहा जाता है इसने थोड़ा सा कर्मकांडीय सिस्टम से ऊपर आकर इसने भी मुक्ति की बात सत्य की खोज ब्रह्म आत्मा इन सब की बातों को इसने यहाँ पर डिस्कस किया उपनिषदों ने तो सीधा सीधा इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देती हूँ कि उपनिषदों की रचना छठी शताब्दी ईशा पूर्व में हुई जब बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन का बोलबाला था तो बौद्ध दर्श बौद्ध धर्म और जैन धर्म का इतनी तेजी से प्रचार हुआ कि ब्राह्मणीय धर्म जो था जो वैदिक लोग थे वो वैदिक धर्म वाले लोग थे वो सोचने लग गए अपने धर्म पर कि क्या हम अभी तक जो ये अनुष्ठानिक प्रवृत्ति से ये जो कर्मकांड करते आए हैं जो धर्म को चलाते आए हैं क्या सही है इसके अलावा भी कुछ है क्योंकि आपको पता है कि वेदों में धन धान्य रोग से मुक्ति धन धान्य की प्राप्ति पुत्र की प्राप्ति मवेशियों की प्राप्ति इन्हीं के लिए सभी प्रार्थनाओं को लिखा गया है में, देवताओं की स्तुति के रूप में है यह तो उसमें सांसारिक सुख के लिए कामना की गई है सारी प्रार्थनाएं सांसारिक सुख के लिए है उसी के लिए अनुष्ठान होते थे पर जब बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन बात करने लग गया मुक्ति की और ये भी बात करने लग गया कि मृत्यु के बाद क्या होता है जीवन क्या है और फिर कैसे मिलता है और इसका अंत होने के बाद क्या होता है तो इन सब पर इन्होंने भी विचार करना शुरू किया तो बस इसी वही असर है उपनिषदों पर इसीलिए कहा जाता है कि जैसे आप कहेंगे कि दयानंद सरस्वती ने वेदों को भी माना और उपनिषदों को भी माना तो वेदों को इसलिए माना क्योंकि वेदों में भी जो अनुष्ठान दिए गए हैं वो एक तरह से स्तुति के रूप में है और कहा जाता है कि वो लोग भी एक मनुष्य को एक सही रास्ता ही दिखाते और ये उपनिषदों को उन्होंने पुराणों को नहीं माना था तो मानव जाति के सामने आने वाली जो अमूर्त और दार्शनिक समस्याएं होती हैं जैसे ईश्वर है है कि नहीं है कैसे मानोगे अब आपको तो दिखता नहीं है तो ये एक अमूर्त समस्या हो गई एक दार्शनिक समस्या हो गई कि हाँ हमारे भीतर जो एनर्जी है क्या वो ईश्वर का अंश है वो कैसे मिलता है पंच तत्व से मिलता है तो ये दार्शनिक समस्या हो गई इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई जिस ब्रह्मांड में जिस गैलेक्सी में आप रहते हो मिल्की वे में ऐसे ऐसे कम से कम वन मिलियन गैलेक्सीज हैं इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई कैसे चलता है ये ब्रह्मांड मानव जाति मनुष्य कैसे आता आया है धरती पर मृत्यु जीवन ये सारी चीज़ें आपको परेशान करती होंगी अगर तो उपनिषदों को पढ़ लेना ठीक है तो ये जो है मैं तो उपनिषदों को ऐसी इनका सार पढ़ती रहती हूँ तो 200 उपनिषदों में सिर्फ जैसा कि मैंने आपको बताया कि 108 उपनिषद संपूर्ण तरीके से हम लोगों को मिलते हैं तो इनको हम लोग का सिद्धांत के नाम से जानते हैं और इसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मानता है क्योंकि एक संख्या हिंदू माला मोतियों की संख्या के बराबर है जो आप लोगों ने अपनी दादी वादी को देखा है ना ऐसे वो लोग कपड़े में छुपा के हाथ चलाते रहते हैं तो वो लोग ईश्वर का नाम लेते हैं चैंटिंग करते हैं तो उसमें 108 मोतियां मोतियाँ होती हैं मालाओं में क्योंकि वो लोग अगर राम का नाम ले रहे हैं तो उनको 108 बार लेते हैं या जो कोई मंत्र पढ़ते हैं तो उसको 108 बार पढ़ते हैं तो 108 संख्या बहुत हिंदुइज्म में पवित्र माना जाता है शुद्ध माना जाता है और हिंदू धर्म के संस्थापक कर्मकांडों का ये जो है उपनिषद की जो शिक्षाएं हैं वो अंग रही हैं तो उपनिषद की जो कुछ जैसे अरण्यक और उपनिषद के बीच सूक्ष्म भेद है तो उसको किस प्रकार आप वर्गीकृत करेंगे तो उपनिषद में ज्ञान है और आध्यात्मिकता है और अरण्यक में ज्ञान की जगह कर्मकांड है और कर्मकांडी यज्ञ खंड है इसमें तो ये आध्यात्मिक है और ये कर्मकांडी है तो सीधा सीधा बस यही आपको अंतर इसमें याद रखना है कि उपनिषद में आध्यात्मिकता ज्यादा है और ज्ञान की बात की गई है ज्ञान के एनलाइटमेंट खोज की बात की गई है और यहाँ पर कर्मकांड की ठीक वेदांग भी वेदों को पूर्ण रूप से समझने के लिए वेदांग की भी रचना हुई थी वेदांग का मतलब संधि विच्छेद कर लीजिए वेद प्लस अंग तो ये भी वेदों के अंग हैं और इनकी रचना इसलिए हुई कि वे वेदों को अच्छी तरह से हम पढ़ सकें समझ सकें इसके लिए वेदांगों की रचना हुई तो ये कुल छह वेदांग हैं और इसमें आ जाता है आपका शिक्षा निरुक्त शिक्षा तो शिक्षा तो समझ ही गए निरुक्त का मतलब होता है किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है जैसे मान लो कि अथर्व है तो अथर्व की उत्पत्ति कैसे हुई है आप सब लोगों का नाम मेरा नाम तो मत लेना मेरा नाम तो रिंकू टिंकू पिंकू ऐसे ही बना दिया जाता है मैं हमेशा बहुत लड़ी हूं अपने परिवार वालों से कि मेरा नाम ऐसा क्यों रखा लेकिन आप लोगों में से जो नेम्स होंगे जैसे आप लोग जो वर्चुअल नेम रखते हो वो नहीं कि कोई वायरस रख लेता है कोई ए, कोरोना वायरस तो कोई कीम जोंग पर कीम जोंग का भी नॉर्थ कोरियन भाषा में ए, कोई मीनिंग होगा तो जैसे कृष्ण नेम है अमन नाम है अमिता त्रिपाठी नाम है श्याम है तो सबके नेम का एक मीनिंग है तो इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है कैसे हुई है तो हर शब्द की उत्पत्ति हुई है कहीं कही ना कहीं से और तो वो शब्द का एक अर्थ है और कहीं कही ना कहीं से उसकी उत्पत्ति हुई है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई भाई भाषा कैसे बनता है कोई शब्द कहीं से आकर जुड़ जाता है और फिर उस भाषा का एक अंग बन जाता है तो उसकी उत्पत्ति कहीं से तो होती है तो वही सारी चीज़ें जो है आपकी निरुक्त में दी गई है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है छंद संस्कृत व्याकरण में जो मिट्रिक्स होते हैं उसको छंद कहते हैं मिट्रिक्स पढ़ते हो ना इंग्लिश में आप और ज्योतिष खगोल विद्या जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसको हम लोग देखते हैं उसको भी तो समझना है तो इसमें शिक्षा छंद ज्योतिष और व्याकरण ये आप लोगों के जो है ये छह अंग होते हैं वे, तो वेदांग कितने हैं हैं इसी में सूत्र आज सूत्र साहित्य की रचना हुई थी इनको वो करने के लिए ठीक है तो इनको इन ग्रंथों को नियम निर्देशों के रूप में लिखा गया और इस में जो है मानव जाति के विचारों व्यवहारों का नियमन करने वाले उसको परिभाषा दिया गया इसी में जैसे व्याकरण में जैसे इन्होंने अष्टाध्यायी ने अष्टाध्यायी ने जो लिखा इसका पर्णिनी ठीक है पर्णनी लिखा था हम्म चलिए तो फिर अब हम लोग बात करते हैं दो एपिक की रामायण और महाभारत महाकाव्य इन्हीं दो को कहा जाता है वेदों को महाकाव्य नहीं कहा जाता वेदों का अपना स्थान है तो महाकाव्य आप किसे कहते हो रामायण और महाभारत को तो रामायण महाभारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोगों की सामूहिक स्मृति का भाग बन चुके हैं जो भी हिंदू धर्म का पालन करता है रामायण महाभारत उनके लिए एक बहुत ही पवित्र ना सिर्फ ग्रंथ है उनकी कहानियों पर भी ये पूरी तरह विश्वास करते हैं युगो दोनों ग्रंथों को युगों में संकलित किया गया और जोड़ा गया है कई युग लग गए हैं इसमें तो जो है अब इसमें ऋषि मुनि तो इसकी कथा कहानी कहते ही हैं ऋषि मुनि तो इसकी कथा कहानी कहते ही हैं साथ में अब भाट चारण भी इसको गा गा के इनके कहानियों को सुनाते हैं तो ये रामायण आजकल लॉकडाउन लॉकडाउन में हर बार टीवी पर पुराना रामायण दिखाया गया तो आप लोग तो जैसे छोटे होंगे आप लोगों को फिर भी आप लोगों में से कुछ लोगों की मेमोरी अच्छी होती है तो कुछ लोगों को याद भी होगा मुझे भी अच्छी तरह से याद है तो उसमें क्या होता था कि जब रामायण आता था तो ऐसा लगता था कि रोड पर कर्फ्यू लग गया संडे को आता था रामायण महाभारत संडे को आता था और रामायण आता था शाम को शाम को ये भी संडे को ही आता था तो ये संडे इसीलिए आता था कि लोग जो है उस दिन फ्री रहते हैं तो उस समय टीवी सबके घर में नहीं होता था किसी किसी के घर में टीवी होता था तो मुझे याद है कि हमारे घर में क्या होता था कि टीवी को बहुत ऊंचे पर रख दिया जाता था तो एक ऐसा ऊंचा स्टूल वगैरह सब अरेंज किया गया था और ला, लाइट ना चली जाए तो उसको पूरी तरह चार्ज रखा जाता था बैटरी को कि अगर लाइट गई तो तुरंत तो उसको बैटरी में लगा देना है और ऐसे ऊंचे पर टीवी को रख दिया गया ब्लैक एंड वाइट टीवी और पूरा द्वार भर जाता था गांव में पूरा मतलब इतना बड़ा द्वार था पूरे गांव के लोग आ जाते थे पूरे गांव के लोग रामायण देखने के लिए भी और महाभारत देखने के लिए भी मैंने गांव में देखा था और शहर का शहर का क्या सीन था कि शहर में कम आपके आस पास वाले आपके जो पड़ोसी हैं नेबर्स हैं वो आ जाते थे और लोग बड़ी श्रद्धा से यूँ हाथ जोड़ के देखते थे यूँ सोफे पर बैठ के ऐसे नहीं देखते थे लोग बहुत श्रद्धा से देखते थे और राम का वनवास जब वो हुआ था तो लोग ऐसे सारे रो रहे थे मैं सबको ऐसे देख रही थी तो आप लोगों को भी याद होगा ये रामायण रामायण लोगों के ऐसे बसा हुआ है लोगों के जीवन में तो ये जो रामायण है इसको सबसे पहले ऋषि बाल्मीकि ने लिखा और ऋषि वाल्मीकि उसको उतना फेमस नहीं कर पाए जितना की ऋषि बाल्मीकि वाल्मीकि रामायण कहते इनकी लिखी किताब को ग्रंथ को इन्हीं के ऊपर तुलसीदास ने रामचरित मानस अवधि भाषा में लिख दिया तो ये क्योंकि इन्होंने संस्कृत में लिखा तो इतना लोगों को समझ में नहीं आया कैसे तो तुलसीदास को ये क्लिक किया होगा ये ग्रंथ और उन्होंने उसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने अवधि भाषा में उसको लिखा कि जिसको अब घर घर गाया जाता है तो रामायण की तिथि निर्धारण में बहुत विवाद है क्योंकि ये सब बहुत कई युग में लिखे गए तो अधिकांश इतिहासकारों का तर्क है कि पहली बार 1500 हंड्रेड के आसपास के आसपास किया गया था ठीक है 1500 BC के आसपास इसको पहली बार संकलित किया गया था 1500 हंड्रेड यानी जो ऋग्वेद का जो उम्र है तो इसमें जो है आदर्श व्यक्ति की कहानी है ये यानी जो भगवान राम है वो एक आइडियल पुरुष हैं आदर्श व्यक्ति हैं और उन्होंने कभी भी अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया कभी जिसको क्रोध नहीं आता था हमेशा संयमित रहता था और हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करना हमेशा अपने छोटों से प्रेम से रहना बड़ा छोटा किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना एक ऐसे रूप में राम को प्रस्तुत किया गया इसीलिए गांधी राम को बहुत राम राज की बात करते थे क्योंकि उनके शासनकाल में भी हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई थी तो उनकी पत्नी को एक धोबी ने आक्षेप कर दिया था तो उसके कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी को वन में भेज दिया तो ये प्रतीक है कि राजा कितना वैल्यू देता है जनता की अपने प्रजा की बातों को पर तो इसको दिखाया गया है उसी बहाने तो इसीलिए गांधी हमेशा राम राज्य की बात करते थे गांधी से सेक्युलर कोई भी नहीं था पर गांधी पर आक्षेप करने वाले गांधी का मजाक उड़ाने वाले इन सब बातों का सहारा लेकर मजाक उड़ाते हैं उनका तो वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे जो कि थोड़ा इंपॉसिबल टाइप का है किसी इंसान का होना इसीलिए तो ईश्वर के अवतार माने गए एक इंसान उतना सह नहीं सकता, उतना कर त्याग नहीं कर सकता और उतना संयमित नहीं हो सकता इसीलिए तो तो इंसान है। चार उद्देश्यों को प्राप्त करने के विषय में निर्देश दिया गया है राम के माध्यम से श्री राम के माध्यम से कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में चार पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए तभी आप एक तरह से पुरुष कहे जाओगे तो यहां पर पुरुष का सीधा अर्थ है कि पुरुष हो स्त्री हो उसको अपने जीवन में ये धर्म ये चार पुरुषार्थों का पालन करना चाहिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष ठीक है तो धर्म धर्म यानी आपका आपकी जो ड्यूटी है आपका जो कर्तव्य है उसको सात्विकता के साथ कीजिए अर्थ सांसारिक जीवन में उपलब्धियां अर्थ का सीधा सा मतलब यह है कि सांसारिक जीवन में आपको आप, अपने दायित्वों को निभाने के लिए आपको जो है अर्थ का भी जुगाड़ करना पड़ेगा यानी मौद्रिक उपाय भी करने पड़ेंगे और क्योंकि आपको अपना कर्तव्य निभाना आपका कर्तव्य ही आपका धर्म है काम जो सांसारिक इच्छाओं को पूरा करना कहलाया जाता है जो भी आप सांसारिक इच्छाओं को पूरी करते हो मोक्ष इन इच्छाओं से मुक्ति तो यानी अंत में मोक्ष कहा गया तो ठीक है आप चारों पुरुषार्थों को करो किसी को भी मत छोड़ो पहले से अंत तक आओ ये उम्मीद की जाती है कह सकते हैं आप तो रामायण में चौबीस हजार पद है ये सब आपके फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है कि रामायण में चौबीस हजार पद है कांड नामक सात अध्यायों में विभाजित किया गया है सब पढ़ती हो ना सुंदर कांड तो ये इनको कांड कहते हैं तो सात इसमें चौबीस हजार पदों को सात अध्याय में विभाजित किया गया है और उसको कांट कहते हैं इसे महाकाव्य कहते हैं बाकी की स्टोरी आपको पता है कि किस तरह अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए श्री राम वन वन को चले जाते हैं चौदह वर्ष के लिए वहाँ पर सीता का अपहरण हो जाता है और फिर उनका पता लगाने में मदद करते हैं हनुमान तो हनुमान लक्ष्मण विभीषण जैसे कई प्रमुख पात्र हैं राम और सीता के अलावा और फिर किस तरह से रावण को हरा कर रावण को पराजित करके वो लेकर आते हैं सीता को तो लंका की भी कहानी इसमें दी गई है रावण के रूप में बताया गया है कि अहम अगर सर में बैठ जाता है तो कैसे बड़ा से बड़ा पुरुष महापुरुष भी शक्तिशाली एक महाशक्तिशाली पुरुष भी कैस किस तरह से उसका पतन हो जाता है उसके धन का उसके ऐश्वर्य का उसके ज्ञान का सब का पतन हो जाता है अगर उसका अहम हावी हो जाता है उसके ऊपर तो, तो रावण के रूप में यह दिखाया गया है क्योंकि रावण को एक तरफ बताया गया है कि वह बहुत ज्ञानी पुरुष है और शक्ति भी उतना ही है उसके पास लेकिन सब कुछ नष्ट उसका क्यों हो गया तो दिखाया गया है अहम के कारण इसलिए नहीं कि वह राक्षस था अहम के कारण घमंड ईगो के कारण उसका सब कुछ नष्ट हो गया तो ये राम और रावण ने जो है रावण पर विजय पाई इसको सत्य और असत्य पर विजय के रूप में दिखाया जाता है बुराई पर अच्छाई का विजय के रूप में ये मनाया जाता है महाभारत महाभारत की बात करते हैं तो जैसे महाभारत भी इसी तरह से ये भी अच्छाई और बुराई अच्छाई का बुराई पर जीत सत्य का असत्य पर जीत के रूप में ये भी है तो ये इसके कई संस्करण हैं वेद व्यास को ही माना जाता है कि उन्होंने ये लिखा प्रारंभ में अठासी सौ छंद थे इसमें तो उस समय जय संहिंता कहा जाता था या विजय की कहानी कहा जाता था बाद में इसी महाभारत में चौबीस हजार इस छंदों की संख्या बढ़ गई तब इसका नाम भारत कहा गया तो जब इसमें अट्ठासी सौ छंद थे तो प्रारंभिक रूप में इसको जय संहिता या विजय की कहानी कहा गया फिर चौबीस हजार हो गया तो चौबीस हजार हुआ तो इसको भारत नाम दिया गया और जैसे ही इसका एक लाख हुआ यानी इसमें इसको सहस्त्र संहिता इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वन लाख छंद है तो जैसे ही इसमें एक लाख छंद हुए तो इसको महाभारत कहा जाने लग गया तो इसके तीन नाम हैं जय संहिंता भारत और महाभारत तो इसको दस पर्व में जैसे उसको कांड कहा जाता है सात कांड उसी तरह किशकिंदा कांड सुंदर कांड उसी तरह इसको जो है दस पर्व में विभाजित किया गया है आपके महाभारत को और इसमें वही कहानी जर जोरू जमीन वही कहानी है इसमें कि अगर आप को जो भाग्य ने दिया है उससे ज्यादा की कामना करने लग जाते हो और आप इनसिक्योर हो जाते हो आपके भीतर जब असुरक्षा अच्छा की भावना बढ़ जाती है तो फिर आप गलत निर्णय लेने लग जाते हो नैतिकता से हट जाते हो और तब फिर आप क्या होता है आप अपने नाश की तरफ बढ़ रहे होते हो यही चीज महाभारत में बताया गया कि धृतराष्ट्र उन्होंने अपने जीवन की वास्तविकता को एक्सेप्ट नहीं किया स्वीकार नहीं किया और वो क्योंकि अंधे थे इसलिए उनको राजा नहीं बनाया गया पर उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई वो वो अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि मैं मेरे में कमी है एक दोनों आंखों का अंधा व्यक्ति अपनी प्रजा की सुरक्षा कैसे कर सकता है तो उनको इस बात का एक कॉम्प्लेक्स आ गया उनको अगर एक्सेप्ट कर लेते अपनी इस कमी को जैसे आप अपनी कमी को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप फिर क्या होता है कि कुछ और अच्छा करने और उससे इम्प्रूव करने का आप कुछ कोशिश करते हो लेकिन आप अग को अगर उस पर गुस्सा आने लग जाता है और उसका दोष आप किसी और पर डालने लग जाते हो तो फिर आपके भीतर एक कुंठा बैठ जाती है तो धृतराष्ट्र के भीतर वही कुंठा बैठ गई थी और पांडु के असमय मृत्यु से उनको फिर सिंहासन मिल जाता है कुछ समय के लिए क्योंकि सिंहासन को खाली नहीं छोड़ा जाता तो उसके बाद अब वो इनसिक्योर हो जाते हैं कि फिर से ये सिंहासन मेरे पुत्रों से न छीन जाए और इसके बाद उसी सिंहासन को लेके सारी लड़ाई होती है और इसी को हम महाभारत कहते हैं और हस्तिनापुर का सिंहासन आखिर अंत में पूरे परिवार को खत्म होने के बाद मिलता उसी को है जिसका था इसका एक महत्वपूर्ण तो उपदेशात्मक जो है ग्रंथ भगवत गीता है अच्छा आप लोगों में से कितने लोगों को मुझे लगता है कि आप सब लोगों को महाभारत की कहानी पता होगी रामायण और महाभारत की कहानी सबको पता है ना है कि नहीं सबको पता कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा मैं आप लोग को एक किस्सा सुनाती हूँ हो सकता है वो मेरा वीडियो देखे मेरे रिलेटिव तो वो, वो कहे कि मैं, मैं, मैंने शेयर कर दिया तो मेरी मेरी सिस्टर हैं उनकी बेटी दुबई में रहती है तो उसके आ, क्या क्या कह सकते ग्रैंड जो नाना है मतलब उसके हस्बैंड के जो नाना है तो वो जो है बिल्कुल पता होना चाहिए एकदम इसको ऐसा एकदम मत करना कि आपसे कोई महाभारत की कहानी पूछो और आपको ना पता हो तो वो मुंबई में पली बढ़ी उसने शायद कभी ना इंटरेस्ट लिया हो जैसे भी तो उसके घर में जब उसके नाना आए उसके हस्बैंड के नाना तो उन्होंने सबसे पहले उसको महाभारत के बारे में बात की रामायण के बारे में उससे बात किया और किसी ऐसी कहानी जैसे सीता या किसी का ऐसे कैरेक्टर का कुछ ऐसे उन्होंने बात किया पूछा कुछ उससे तो इसने बोला कि मैंने सुना है रामायण के बारे में कि रावण था राम थे मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी मैं कि सीता ने ये स्टेप क्यों लिया ऐसा क्यों हुआ तो उस पर जो है वो उन्होंने बिल्कुल जो है बहुत झाड़ लगा दी उसके हस्बैंड को कि तुमने कैसी लड़की से विवाह कर लिया है इसको तो भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आपके रामायण और महाभारत की कहानियाँ आपने पढ़ा था ना आर्य शर्मा में परसों की क्लास में कि इंडोनेशिया और मलेशिया तक पहुंच चुका है और यूरोप के लोग भी जानते हैं रामायण और महाभारत के बारे में तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि रामायण राम और रावण की कहानी है और महाभारत कौरव और पांडव की कहानी है आपको पूरा स्टोरी लाइन पता होना चाहिए उसको इतना पता था लेकिन पूरी स्टोरी लाइन पता नहीं थी तो आपको पूरा स्टोरी लाइन पता होना चाहिए कि कैसे कैसे ये हुआ था तो ये सिर्फ अब ये कहानी नहीं है ये भारतीय संस्कृति का पार्ट है और आपको आप कौन बनेगा करोड़पति देखते होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा जो है पाँच से दस हज़ार के बीच जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक महाभारत का क्वेश्चन जरूर होता है और कई बार तो दो चार लाख के क्वेश्चन भी होते थे पौराणिक पात्रों पर वो क्यों पूछा जाता था कि भाई आपने कितना अपने कल्चर को जाना है तो आपको जो है बिल्कुल अवेयर रहिएगा इससे इसीलिए बीच बीच में जैसे आपका मृक्ष का वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार नागानंद का क्वेश्चन पूछ लिया गया था वो इसीलिए बीच बीच में पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि आप लोग एक बार पूछ लिया जाएगा तो पढ़ोगे जरूर पढ़ोगे तो आपको कल्चर के बारे में पता रहेगा तो इसी का पार्ट है गीता जो सबसे पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है रामचरित मानस लोकप्रिय बहुत ज्यादा है उसकी कहानी सबको पता है पर गीता को ही माना जाता है कि एक तरह से हिंदू धर्म का पूरा निचोड़ गीता में आ गया है तो गीता गीता को हम कहते हैं कि एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका होती है हमारे जीवन की जो भी हिंदुइज्म को मानता है तो एक तरह से उसके लिए जैसे आपका डीपीएसपी है ना संविधान का तो जैसे संविधान का डीपीएसपी है जो कि राज्य को उसके कर्तव्य के बारे में बताता है उसकी ड्यूटी के बारे में बताता है कि राज्य को क्या करना चाहिए कैसे कानून बनाने चाहिए जनता के लिए उसी तरह से ये आप कह सकते हैं कि जो भगवत गीता है वो डीपीएसपी है वो डीपीएसपी हमारे लिए है हम आम जनता के लिए है एक तरह से नैतिक नैतिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो बताता है कि जीवन में कैसे रहना चाहिए कैसे काम करना कर्म कर्म प्रधान है ये सबसे ज्यादा इसमें गीता में कर्म को प्रधानता दी गई है तो वही युद्ध क्षेत्र में कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था उसी पर ये पूरा का पूरा आपका वही संवाद है अहिंसा बनाम हिंसा कर्म बनाम अकर्म इसी समस्या पर और अंत में धर्म के विषय पर इसमें प्रकाश डाला गया है कि आ, 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 उन्होंने कहा मैं हिंसा नहीं करूंगा तब उन्होंने बताया था कि क्या होता है अहिंसा क्या है हिंसा क्या है सकाम निष्काम कर्म सकाम कर्म में क्या फर्क है तो इन्होंने इसमें निष्काम कर्म की बात की गई है निष्काम कर्म निष्काम कर्म का मतलब कि आपकी जो ड्यूटी है उसको करते जाइए और आप फल के बारे में मत सोचिए जो सामने है उसको करो और ईमानदारी से करो और बाकी छोड़ दो जो मेहनत कर रहे हो जो काम करोगे उसका आपको फल जरूर मिलेगा आप उसकी चिंता मत करो तो ये धर्म के विभिन्न प्रकारों के बीच अंतर करता है और निष्काम कर्म निस्वार्थ रूप से परिवार और विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है तो यही यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है गीता की कौन सी गीता आपकी पड़ोसी नहीं भगवत गीता, ठीक है तो भगवत गीता का जो निष्काम कर्म की अवधारणा हमारे जीवन का एक तरह से या, आप कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति हिंदुइज़्म इन सब का एक प्रतीक बन चुका है निष्काम कर्म और इसको गांधी भी मानते थे तो उस समय जब परलोकवादी सिद्धांतों का बहुत बोलबाला था जैसे बौद्ध धर्शन जैन धर्म इन सब में यही कहा गया है ना कि क्या करोगे यहाँ से क्या मिलने वाला है कुछ करके तो इसमें कहा गया कि अगर धरती पर आए हो कर्म नहीं करोगे तो धरती कैसे चलेगी ये दुनिया कैसे चलेगी तो आप जो है निस्वार्थ भाव से काम अपना कर्म करते रहिए अपनी ड्यूटी करते रहिए बिना लोभ और मोह के तो आप भी जो है बिना फल की चिंता किए हुए कि आप पास होंगे या नहीं होंगे आई निकलेगा या नहीं निकलेगा ये बिना सोचे बस आप मेहनत करते चले जाइए पढ़ते चले जाइए जो अभी आपकी ड्यूटी है तो अभी आप छात्र जीवन में हैं आपकी ड्यूटी क्या है आपका कर्तव्य है पढ़ाई और ये बिल्कुल करते रहिए लक्ष्य से मना नहीं किया गया है केवल ये मना किया गया है इसमें कि बार बार यही मत सोचो कि मैं आई बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा कि नहीं आप बनने के जो तरीके हैं जो मार्ग है उस पर तो चलो उसको तो फॉलो करो तो यही बात कहता है ये तो ये गीता बात करते हैं फिर पुराण की ये सबसे अगर हम लोग ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो सबसे अंत का है ये सबसे अंत में जो जोड़ा गया और ये पुराण का अर्थ क्या है इसके शब्द से हमें क्या पता चलता है कि जो पुराने को नया बनाता है पुराण मतलब जो पुराने को नया बनाता है पुराण का मतलब ही पुराना पुराना तो पुराने को जो नया बनाता है तो ये प्राचीन भारतीय पौराणिक ग्रंथ है ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर और इस ब्रह्मांड का अंत होगा एक दिन यहां तक कि ये पूरी कहानी है तो पुराणों में कहा गया है कि पूरे जो है संसार को काल में बांटा गया है जो आप लोग पढ़ते हो कि जो है त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग तो कुल इस चार काल में बांटते हैं और कहते हैं कि कलयुग के बाद ही ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके विनाश ये तक के बीच की ये पूरी कहानियां हैं इसमें और ये कहते हैं कि दयानंद सरस्वती ने तो साफ कहा कि ये ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया और ये पूरी तरह से कल्पित है तो इस इन पुराणों को से हमें उस समय के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के भी बारे में पता चलता है जैसे सातवाहनों के लिए इसमें आंध्र भोज लिखा हुआ है गुप्त शासकों की चर्चा इसमें आती है हर्षवर्धन का आता है तो ऐसे कई शासकों की भी ये चर्चा करते हैं तो अब पुराणों से हमें ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिल जाते हैं इसमें राजा नायक संत यक्ष यक्षणी कई लोगों की कहानियाँ हैं त्रिमूर्ति की कहानी है ब्रह्मा विष्णु महेश कुल प्रा, जो प्रामाणिक या मूल जो पुराण कहते हैं जो हम लोग को मिला है संपूर्ण तरीके से अठारह है तो अठारह महापुराण है दार्शनिक और धार्मिक अवधारणाओं की ये व्याख्या करते हैं इसमें बहुत सारे देवी देवताओं की कहानियां हैं तो इसमें जो प्रसिद्ध पुराण है भागवत पुराण ब्रह्मा पुराण वायु पुराण पुराण गरुण पुराण पद्म पुराण विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण तो इसमें जो है आप लोगों का पूरा भूगा भूगोल इतिहास वंशावली इन सब के बारे में भी हमें वैदिक उत्तर भारत के बारे में पता चल जाता है मिथा कर की दत्तिया इसमें ज़्यादा है उपदेशों का भी इसमें संयोजन हमें मिलता है कहानी लेखन बहुत सरल रूप में लिखा गया है तो ये वेदों की तरह जटिल नहीं है बहुत आसान है मैंने भगवद गीता नहीं गीता नहीं क्या कह रही हो भागवत पुराण मैंने पढ़ा है बहुत आसान भाषा में लिखा गया है तो पुराणों को कई विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद और वितरण किया गया है अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद किया है लोग इसको पढ़ते हैं पुराण अपने संदेश का प्रसार करने के लिए दृष्टान्तों और दंत कथाओं का प्रयोग करते हैं दृष्टांत और दंत कथाओं का तो दृष्टांत और दंत कथा क्या है किसे दृष्टांत कहते हैं और किसको दंत कथा कहते हैं यह भी यहां पर बता दिया है उन्होंने नितिन सिंघानिया जी ने तो दृष्टांत दृष्टांत वो लघु कथाएं होती हैं जो गद्य या पद्य में लिखी गई रहती हैं जिसमें आध्यात्मिक, नैतिक धार्मिक शिक्षा का वर्णन करती हैं ठीक है थीके? तो मानव चरित्र का चित्रांकन करते हैं ये जो दृष्टांत होते हैं और जो दंत कथाएं होती हैं ये ये भी लघु कथाएं होती हैं गद्य पद्य में ये ये भी गद्य पद्य दोनों में होती हैं तो इसमें चतुराई भरी कहानियां होती हैं जो कि शिक्षा दी जाती है कहानी के माध्यम से पशु निर्जीव वस्तुओं पौराणिक प्राणियों पौधों का इसमें चित्रांकन किया जाता है जैसे मैं आप लोग को पंच तत्व क्या कहते हैं पंचतंत्र तो विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है तो हम उनको दंत कथाएं कहते हैं तो दंत कथाएं मतलब मुंह से कल्पना करके दांत मुंह से दांत से दंत दंत मतलब दांत ही होता है तो जो हम लोग बोलते हैं मुंह से जो कहानियां सुना दी जाती हैं तो उसको दंत कथाएं कहते हैं तो इसमें दिखाया जाता है ना कि किस तरह से जो है ए, कभी बड़ी की वो कहानी वो शेर की मेरे पास दो कंगन है ले आप लोगों ने पढ़ा है ना शेर की कहानी पंचतंत्र में दंत कथाएं का, का सिंपल मतलब ये होता है कि जो कहानी के रूप में लिखित नहीं है लिखित नहीं है और बस कहानी के रूप में प्रचलित हो रही है एक मुंह से दूसरी मुँह कह रहे वो कहानी नहीं सुना लोमड़ी की कहानी से नहीं सुना अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं तो इस तरह की ये, ये दंत कथाएं इसको कहते हैं बाद में पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने उसको कंपोज कर दिया ऐसी बहुत सारी कहानियां प्रचलित रहती हैं हर युग में तो उन्हीं को कहते हैं तो इसमें चतुराई भरी का मतलब कि जैसे वो आ, मुर्गे को और मुर्गी जो एक सोने का अंडा देती थी उसने सोचा कि पूरा मुर्गा काट के सारे अंडे एक दिन निकाल लो इसी में एक कहानी है वो कि सांप को एक दिन एक घायल सांप को उसने दूध पिला दिया था थोड़ी सी उसकी देख रेख कर दी थी वो सांप रोज उसको एक मणि देने लग गया था उसके बेटे ने सोचा कि खोद के सारी मणि निकाल लो सांप ने उसके बेटे को भी डस लिया और उसका घर भी छोड़ दिया था उस किसान का ऐसी कई कहानियां आप पंचतंत्रों में पढ़ोगे तो ये शिक्षाएं देती हैं ये बताती हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको कैसे समझदारी से रहना चाहिए तो दृष्टांत और दंत कथाएं आपको समझ में आ गया दृष्टांत में ऐसी कोई दंत कथाएं नहीं होती जनरली जो हुई रहती हैं चीजें उसको जो है लिख दिया जाता है तो जैसे ऐसी ही में कहानियों में आपका हितोपदेश भी है हितोपदेश भी जो है ये भी बिल्कुल नारायण पंडित ने लिखा है जैसे विष्णु शर्मा ने दंत पंच तत, तंत्र लिखा वैसे ही नारायण पंडित ने हितोपदेश लिखा है हितोपदेश में भी ऐसी नैतिक शिक्षा वाली कहानियां हैं और मनुष्य को ये ज्ञान प्रदान करते हैं मानवों है पर भी होता है और पशु पर भी होता है पुराण इतने लोकप्रिय हुए कि उप पुराण भी लिखे गए पुराणों के ऊपर जैसे वायु पुराण है तो वायु के पुराण के ऊपर उप पुराण लिखे गए तो इनको उप पुराण या लघु पुराण कहते हैं उन्नीस लघु पुराण हैं जो पुराणों के ही आधार पर फिर से लिख दिए गए कोई होता है ना कोई किताब बहुत लोकप्रिय हो जाती है तो बार बार उसका संस्करण निकलता है नया नया एडिशन निकलता है उसी तरह से ऊपर पुराण लिखे गए तो उसमें जैसे ये ब्रह्मांड की रचना का ये दिया गया है कि जैसे प्रतिसर्ग है ब्रह्मांड की रचना प्रतिसर्ग है कि विनाश होगा और फिर से इसका पुनर्निर्माण होगा मनवंतर मनु के जीवन काल की अवधि को मनवंतर कहते हैं मनु जो कि ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं जिन्होंने मनुस्मृति लिखा है वंश तो इसमें चंद्र वंश और सूर्य वंश दो ही वंशों की मुख्य बात होती है वंशानुचरित राजाओं का राजवंशीय इतिहास इसी में ये पूरा का पूरा पुराण बटा हुआ है ये पूरे पुराण का विषय था ये ठीक है अब हम लोग बात करते हैं संस्कृत साहित्य की जो कि गैर धार्मिक है जैसे ये जो संस्कृत साहित्य है उसमें ब्राह्मण साहित्य आ जाता है ब्राह्मण साहित्य जो कि धार्मिक साहित्य है और एक धर्मित्तर आ जाता है नॉन रिलीजियस बुक्स तो नॉन रिलीजियस बुक्स जैसे क्या संस्कृत साहित्य की बात करेंगे तो ज़्यादातर जो है वैदिक और शास्त्रीय श्रेणियों में विभाजित तो वैदिक का मतलब वो धार्मिक हो गया और क्लासिकल जो लिटरेचर है संस्कृत का उसमें जो है आपका महाभारत रामायण भी इसमें आ जाता है पर रामायण महाभारत को धर्म रिलीजियस बुक में ही रख दिया गया है क्योंकि इसको भी जो है लोग बहुत श्रद्धा से पढ़ते हैं तो इसको भी फिर धार्मिक में ही बांट दिया गया है पर इसके अलावा जो संस्कृत में उस समय प्राचीन काल में जो ग्रंथ लिखे गए वो इसमें सारे नाटक कहानी आ जाते हैं जैसे विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है कालिदास हैं भास हैं भैरवी है, हैं भारवी हैं तो ये सारे लोग जो है इन लोगों ने जो लिखा है उसको हम लोग क्लासिकल संस्कृत कह देते हैं शास्त्रीय संस्कृत साहित्य ठीक है तो वही सारे हैं जैसे आर्यभट्ट का आर्यभ्टम आ जाएगा भास्कराचार्य का आ जाएगा बराह मिहिर का आ जाएगा तो वो सब ये सारी चीज़ें जो है क्लासिकल में आती हैं सं, क्लासिकल संस्कृत साहित्य में तो बहुत जैसे अष्टाध्यायी भी इसी में आ जाएगा आपका क्योंकि ये नॉन रिलीजियस बुक्स हैं तो आप इसी में तो वही धर्म और धर्मितर तो इसमें कई संस्कृत नाटक आ जाते हैं तो बहुत सारी इसमें रोमांटिक कहानियां हैं मनोरंजन करना उद्देश्य था इनका एकमात्र और इसमें बहुत सारे जो राइटर्स हैं आप उनको देखोगे तो जैसे इसमें आ, कुछ तो एकदम नाटक ड्रामा फॉर्म में लिखा हुआ है ड्रामा फॉर्म में जिसमें हाव भाव तक दिखाया गया कि वो क्रोध में कांपते हुए आया उसके नथुने फड़क रहे थे फूल रहे थे होठ कांप रहे थे वो गुस्से में पत्ते की तरह कांप रहा था तो ये सारी चीजें जो है मंच पर पूरा निर्देशन की तरह से जो है ये किया जाता है तो भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो नौ रस दिए गए हैं उसके आधार पर तो कुछ नाटक देख लीजिए आप कुछ महत्वपूर्ण नाटक उस समय कालीदास मालविका अग्निमित्र तो मालविका रानी की दासी और अग्निमित्र पुष्यमित्र सुंग की प्रेम कथा है तो मालविका कौन थी ये रानी की दासी थी मालविका और अग्निमित्र पुष्यमित्र सुन का बेटा था ये इनके प्रेम कहानी के बारे में है मालविका अग्नि मित्र विक्रमो उर्वशिया तो विक्रमो उर्वशिया हस्तिनापुर के राजा विक्रमादित्य विक्रम और उर्वशी उर्वशी की कहानी है विक्रमो उर्वशिया नहीं अब हस्तिनापुर के राजा तो ये थे अभिज्ञान शकुंतला में दुष्यंत ठीक है ये विक्रम उन्हीं का है विक्रमादित्य जो टाइटल लिया था उनकी कहानी है ये और मृक्ष का टिकम जो कि आप लोगों से पूछा जा चुका है तो मिट्टी का खिलौना गाड़ी इसमें एक युवा ब्राह्मण चारू दत्त का एक जो नगर वधु थी उसके साथ प्रेम प्रसंग दिखाया गया है इसमें वसंत सेना का वसंत नगर वधु का नाम रहता है वसंत सेना ये एक फिल्म है उत्सव उत्सव देखिएगा आप लोग उसमें मृक्षकटिकम की स्टोरी है तो इसको शुद्रक ने लिखा था ये पूछा जा चुका है आप लोगों से विशाख ने मुद्रा राक्षस लिखा जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे नंदो को हरा कर और पाटलिपुत्र की गद्दी पर कब्जा करते हैं उसकी पूरी कहानी विशाख की मुद्रा राक्षस में है इसी में आप लोगों का जो है भावभूति भावभूति का भी आ जाता है भवभूति भी एक मुख्य है इन्होंने उत्तर रामचरित लिखा भवभूति का है उत्तर रामचरित भी पर भी सीरियल बना था वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ उत्तर रामचरित में क्या है जब सीता को वन में भेज दिया धोबी के कहने पर जब अयोध्या ये लोग रावण को हरा कर आ जाते हैं और उस धो वो धोबी कमेंट करता है सीता के ऊपर तो राम उनको वनवास भेज देते हैं वापस सीता को सीता उस समय गर्भवती रहती हैं और फिर उनके दो पुत्र होते हैं लव और कुश तो उसको उत्तर रामचरित कहा गया लेटर स्टोरी है ये उसमें राम, महा मेन तो राम और रावण का है उसके बाद तो उसी को भवभूति ने लिखा था 700 सौ ईस्वी में लिखा था राम के परवर्ती जीवन के बारे में है ये भास का है स्वप्नवासव दत्ता आपको ये कभी भी पूछा जा सकता है जिस तरह से मृत कटी कम पूछा गया तो स्वप्न दत्ता तो अवंती के राजा चंड प्रद्योत का नाम आप लोगों ने सुना है सोलह महाजन पद पढ़ते हुए तो जो अवंती के राजा चंड प्रद्योत थे उनकी ये बहन थी या पुत्री थी वासोदत्ता और जो वत्स के राजा थे उदयन जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी तो उदयन उदयन और जो है वासोदत्ता की कहानी है इसमें ठीक है फिर इसके अलावा इन्होंने भीम से लड़ाई के दौरान उसके बाद दुर्योधन की कहानी उरु भंग में है तो रात्र उरु भंग लिखा है हर्षवर्धन हर्षवर्धन के तीन संस्कृत नाटक रत्नावली रत्नावली की कहानी नहीं सुनी होगी ना आप लोगों ने आप लोगों ने ये सुना है कि हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शी का तीन नाटक लिखे तो यहाँ पर इन्होंने कहानी भी दी हुई है सिंघानिया साहब ने तो रत्नावली में श्रीलंका के राजा की पुत्री राजकुमारी रत्नावली और राजा उदयन की कहानी अच्छा उदयन बड़े उदयन का इस्तेमाल बहुत किया गया है जो वत्स के राजा उदयन थे उनको कई कहानियों में हीरो की तरह इस्तेमाल किया गया अभी आपने स्वप्नवास वत्ता में देखा इसके अलावा जो है मेघ दूतम में भी करते हैं कालिदास और एक और जो है आपका ये रत्नावली तो है ही रत्नावली में भी वही उदयन है और एक और कहानी मुझे उपन्यास नाटक याद आ रहा है जिसमें उद, इसी उदयन का इन्हीं उदयन का इस्तेमाल किया गया कि ऐसा लगता है कि जो वत्स के राजा उदयन थे वो शाहरुख खान या सलमान खान टाइप के थे कि ज़्यादातर जो हिट फिल्में थी उसमें इनका जैसे नाम आ जाता है उसी तरीके से तो रत्नावली में भी वही उदयन है श्रीलंका के राजा की पुत्री है रत्नावली और उद्दयन की प्रेम कहानी है तो हम इसमें पहली बार होली के त्योहार का उल्लेख पाते हैं रत्नावली में नागानंद ये गरुड़ देवता को सांपों की बलि देने से रोकने के लिए राजकुमार जिमुत जीमुतवाहन ने अपना शरीर त्याग दिया था ये उसकी कहानी है तो एक राजकुमार है जीमुतवाहन जो कि बहुत दानवीर है लोग बहुत कल्याणकारी स्वभाव का है तो वो गरुड़ों को बचाने के लिए वो अपना प्राण त्याग देता है तो वही इसमें नागानंद में वो कहानी है तो इसके अलावा जो है इस नाटक में एक अनोखा चरित्र नंदी पद्य है जिसमें भगवान बुद्ध का आवाहन है ये प्रियदर्शिका प्रियदर्शिका में राजा उदयन और राजा दृढ़ वर्मन की पुत्री का कहानी है मैंने बताया ना कि उद्दन का एक जगह और नाम आएगा तो इसमें राजा उद्यन की कहानी है तो संस्कृत ये नाटक थे काव्य की बात करते हैं जो कविता फॉर्म में लिखा गया है कविता जाहिर है कि थोड़ा सा अलंकारिक होता है तो इसमें कालिदास का मेन नाम आ जाता है इसमें भी कालिदास एक मुख्य थे मेघ दूतम बादल ऋतु दू, संहार ये दो छोटी कविताएं लिखी थी उन्होंने हरिशेन का भी इसमें नाम आता है जिन्होंने प्रशस्ति के रूप में समुद्रगुप्त की प्रशंसा लिखी है प्रयाग स्तंभ पे तो इनका भी नाम आ जाता है आपका समुद्रगुप्त के प्रशस्ति के लिखने के तौर पर हरिशेन का भी तो इन्हों वो भी एक तरह से कविता ही था तो उनका नाम भी आता है इसमें और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद लिखा तो आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा कि मैंने आप लोगों को नितिन सिंहानिया के सेशन में ही मैंने पेंटिंग पढ़ाई आप लोगों को मैंने डांस पढ़ाया तो पेंटिंग डांस म्यूजिक में भी इवन इन जयदेव जयदेव के गीत गोविंद की पंक्तियों को खूब गाया गया है जय इस थीम पर पेंटिंग की गई है इस थीम पर डांस किया जाता है ये बहुत फेमस है कह सकते हैं कि कला के सभी रूपों में जयदेव की लिखित गीत गोविंद का इस्तेमाल किया गया है जो, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित उन्होंने इस काव्य को लिखा ठीक है इसके अलावा भारवी का किराता और जूनियम है जिसमें किरात और शिकारी और अर्जुन की कहानी है ये किरात शिकारी और अर्जुन माघ शिशुपाल बद उन्होंने लिखा था ये भी जो है सब काव्य फॉर्म में है अन्य जो संस्कृत ग्रंथ हैं तो अन्य संस्कृत ग्रंथों में आ, हम लोग अलग अलग बात करते हैं जिसमें जैसे एक तो सूत्र साहित्य की बात कर सकते हैं और संहिताओं की बात कर सकते हैं जैसे नारद स्मृतियों की बात कर सकते हैं तो कह इतिहासकार कहते हैं कि 500 से 200 हंड्रेड के बीच 500 हंड्रेड टू टू हंड्रेड के बीच कानून पर कई प्रमुख पुस्तकें लिखी गई जिनको धर्मसूत्र कहा जाता है धर्म सूत्र यानी उसमें आपको बताया गया कि जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने के कौन कौन से नियम हैं तो इनको धर्मशास्त्र के रूप में स्मृतियों के रूप में संकलित किया गया था इनको हम लोग विधि संहिता भी कहते हैं क्योंकि जो हिंदू धर्मशास्त्र कहे गए ये तो हिंदुओं के जो कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए गए जो विधि संहिताएं बनी वो इनके आधार पर बनी अधिकांश हिंदू राजाओं ने इनके ही आधार पर शासन किया तो ये एक तरह से ये कानून के आधार थे तो इसमें नियमों को स्पष्ट नहीं किया गया है पर फिर भी जैसे संपत्ति का हस्तांतरण कैसे होना चाहिए उत्तराधिकारी कौन होगा संपत्ति का किस तरह से बेचना चाहिए किस तरह से खरीदना चाहिए धोखाधड़ी से लेकर हत्या के अपराध तक के लिए दंड पर प्रकाश डाला गया इन संहिताओं में स्त्री धन की बात की गई है स्त्रियों के और पुरुषों की भूमिका के बारे में बात की गई है तो ये सबसे प्रमुख ग्रंथ है इसमें मनुस्मृति। ये मनु का कानून है ये मनु जो कि ब्रह्मा के पुत्र माने गए कुछ लोग इनको ऋषि मानते हैं तो ये मनु इन्होंने समाज में स्त्रियों और पुरुषों की भूमिका पर बात की ये, ये कहा कि स्त्री का क्या रोल होना चाहिए पुरुषों का क्या रोल होना चाहिए और उनसे उपेक्षा भी की जाती है कि उसका पालन हो पूरी तरह से विवाह के नियम बताए तो मनुस्मृति को 200 टू 200 बीसी से लेकर 200 एडी के दौरान लिखा गया माना जाता है क्योंकि इसमें जो जो बातें लिखी गई हैं ना वो उस काल को दिखाती हैं 200 सौ से से लेकर 200 सौ के दौरान तो आप देख सकते पा रहे सीधा सीधा 200 साल हो गया तो ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति इतने दिनों तक जिंदा हो तो ऐसा लगता है कि पहले किताबों को कोई इनिशिएट कर देता था और फिर उसको कोई कोई उसको पूरा करता रहता था और वैसे तो माइथोलॉजी ये है कि भाई वो ब्रह्मा के पुत्र थे तो इतने दिनों तक तो जिंदा रहेंगे ही तो इस तरह से एक अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी एक तरह से धर्मशास्त्र ही है इसमें भी उन्होंने जो है राजा को कैसे नाम तो इसका अर्थशास्त्र है लेकिन इसमें लिखा क्या गया है कि एक राजा को कैसे शासन करना चाहिए अर्थशास्त्र में ठीक है तो इसमें सैन्य रणनीति को भी बहुत उचित महत्व दिया गया है कौटिल्य इन इस किताब पर कौटिल्य लिखा गया है तो इसको चाणक्य का ही माना जाता है विष्णुगुप्त को ही माना जाता है कि उन्होंने ही इसको लिखा था क्योंकि कई तरह की इसमें सिमिलैरिटीज मिल जाती हैं ठीक है थीके? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया संस्कृत प्राचीन काल में दरबारी भाषा थी जितने भी कवि थे टीकाकार थे विद्वान थे वो संस्कृत में ही उन्होंने लिखा कुछ और किताबों का नाम देखिए इस अवधि में जो लिखा गया पिंगल ये गणित पर पुस्तक है चरक ने चरक संहिता लिखी चिकित्सा पर सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी यह ऑपरेशन शल्य क्रिया पर पुस्तक है माधव ने माधव निदान लिखा ये रोग विज्ञान पर है वराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका जो कि एस्ट्रोनॉमी पर है बृहद संहिता ये ग्रहीय चाल भूविज्ञान, वास्तुकला जैसे व्यापक विषयों पर बात करता है आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा और लगधा ने ज्योतिषचार्य पर लिखा ये सब कहानी कथाओं के अलावा हैं। कुछ कश्मीर और राजस्थान में भी लिखे गए जैसे कल्हड़, कल्हड़ की राज तरंगनी और सोमदेव का कथा सरित सागर ये सब काव्यात्मक कृतियां हैं और ये सभी संस्कृत में लिखी गई तो कल्हड़ की तरंगणी तो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक है कुछ प्रश्न देखिए कुछ प्रश्न इस पार्ट से देखिए जो अभी हम लोगों ने किया इसके बाद फिर मैं आप लोगों को जैनिजम और बुद्धिज्म भी पढ़ाऊंगी जैन जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य जैनिज्म और बुद्धिज्म नहीं वो तो हम पढ़ चुके हैं हम बात करेंगे जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य और सिख साहित्य पर भी तो धर्म पर आधारित आज सब खत्म कर देंगे जो धा, वो है फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग एकदम प्योर लिटरेचर पर जो है जो धर्म से नहीं वो हुआ ठीक है तो ये कुछ क्वेश्चन देखिए आप भारत के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में 2016 का क्वेश्चन है ये राजवंशीय इतिहासों तथा वीरग्रस्थाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था अग्रहारिक और ये मागद है ये आपका 2016 में पूछा यूपीएससी ने तो काफी सारे लोग ए आंसर कर रहे हैं तो ए नहीं होगा डी होगा इसमें ठीक है डी इसको ये जो है आप लोगों का ये मागध थे वो मागध ये जैसे भाट चारण होते हैं ना जैसे भाट होते हैं चारण होते हैं वो लोग गा गा के उसी तरह से ये मागध थे जो राजवंशी इतिहासों को सुनाया करते थे ठीक है तो ए डी होगा इसमें जो यूपीएससी ने भी डी ये मागद ही होते हैं आप 2016 का उसमें देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक पुत्र की प्रेम कहानी है ये तो बहुत ईजी है आप सब लोग इसका आंसर कर देंगे बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत आसान है बी हो जाएगा ये बी हो जाएगा मालविका अग्निमित्र ये क्वेश्चन देखिए ये 2004 का क्वेश्चन है जादुई सम्मोहन और मंत्र के स्वर्ग सम्मिलित अब इतना आसान प्रश्न अब नहीं आएगा पहले इतनी कोचिंग नहीं थे ना ऑनलाइन कि गली 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 और घर घर के बच्चे अपने मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो ये प्रश्न देखिए आप तो जो लोग भी सी कह रहे हैं वो लोग सही हैं अथर्ववेद है ये जिसमें जादुई सम्मोहन वगैरह की बात की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन मृक्षकटिकम किस से संबंधित है अभी आप लोगों ने देखा ना मृक्षकटिकम की कहानी मैंने बताई शुद्रक ने जो मिर्च का लिखा था बिल्कुल तो इसमें जो लोग ए कह रहे हैं जो लोग भी ए कह रहे हैं वो लोग सही हैं, तो इसमें ए हो जाएगा ये पूछा जा चुका है आप लोगों से ठीक है और ये क्वेश्चन देखिए दो कथन दिया हुआ है कथात्मक और उपदेशात्मक हम लोगों ने बात की उपन्यास की बात की गद्य की बात की सब की बात हम लोग कर चुके हैं तो आप लोग इसमें से देख करके आप बताइए कि कौन से सही हैं? जिसको भूख लग रही वो क्लास लेते लेते खाते रहो कौन सा क्लासरूम में बैठकर क्लास ले रहे हो आप क्लासरूम में बैठकर तो क्लास ले नहीं रहे हो यही तो अच्छा है कि आप अपने घर में बैठकर क्लास ले रहे हो और कोई देख भी नहीं रहा है कि आप खा क्या रहे हो तो क्लास लेते रहो तो खाना खाते रहो कोई समस्या नहीं है तो उपदेशात्मक ग्रंथ इसमें जो है आप लोगों का डी हो जाएगा उल्टा है ये। ये उल्टा है ए का आपका पहला होगा और बी का जो है मतलब ए का दूसरा है विषय और दूसरे का पहला है विषय तो इसको उल्टा कर दिया गया है यानी उपदेशात्मक में नैतिक मुद्दे और कथात्मक में कहानी उपन्यास इसमें से कौन सा ग्रंथ वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश कौन देता है इसमें बिल्कुल चाय पीजिए बिस्किट खाइए ब्रंच खाइए कुछ भी खा सकते हैं आप इससे बढ़िया आपको और कहां मिलेगा तो ये वेद हो जाएगा ठीक है और ये आपके मेंस के लिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किसके लिए है मेंस के लिए कि साहित्य के संदर्भ में साहित्य के संदर्भ में उपदेशात्मक और कथात्मक ग्रंथों के बीच भेद बताइए डिफरेंस बताइए ठीक है और दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन साहित्य में पाली और प्राकृत के उपयोग पर संक्षिप्त नोट लिखिए तो अब ये मैं आपको कराने जा रही हूं पाली पाली भाषा और प्राकृत भाषा के को किस तरह से उपयोग किया गया प्राचीन साहित्य में इसका कैसे लिख पाएंगे तो अब हम लोग जब ये पार्ट टू कवर करेंगे तब तो हम लोग ये आर है पार, पार्ट टू करने जा रहे हैं हम लोग और उसमें हम लोग पढ़ेंगे पाली अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे संस्कृत साहित्य के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाली भाषा प्राकृत भाषाओं के पर जो साहित्य लिखे गए उनमें तो ज़्यादातर पाली भाषा में साहित्य लिखे गए बौद्ध ग्रंथ और बाकी पाली प्राकृत भाषा में जो है आपका मागधी, अर्धमागधी, अर्ध इन सब भाषाओं में जैन साहित्य लिखा गया था तो अब हम लोग इन्हीं की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पाली और प्राकृत साहित्य में हम लोग ये देखते हैं कि उत्तर काल के बाद संस्कृत भाषा को छोड़ दिया गया संस्कृत भाषा को रिएक्शन में छोड़ा गया प्रतिक्रिया में छोड़ा गया क्योंकि उद्देश्य यह था कि ब्राह्मणों के वर्चस्व को खत्म किया जाए ये ब्राह्मणों का वर्चस्व कैसे खत्म क्योंकि संस्कृत भाषा पर उनका एकाधिकार था तो रिएक्शन में प्रतिक्रिया में बौद्धों ने जैनियों ने संस्कृत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया और उन्होंने आम लोगों की भाषा अपनाई जो आम बोलचाल की भाषा थी और इसीलिए जो है ये पाली और प्राकृत भाषा में उन्होंने साहित्य की रचना भी की तो प्राकृत वह शब्द है जिसमें मानक भाषा यानी संस्कृत से किसी भी अलग भाषा से जैसे वर्नाक्यूलर शब्द जोड़ा था ना अंग्रेजों ने वर्नाक्यूलर तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था जरा कमेंट सेक्शन में बताइए पढ़ा है आप लोगों ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में राष्ट्रवाद की उदय के कारणों में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं अभी एक घंटा नहीं लगेगा अभी क्लास मुश्किल से 20 बीस पच्चीस मिनट चलेगी 20 मिनट तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था वेरी गुड तो सबसे पहले जो है नकुल का आंसर आया है सही आंसर बाकी तो आ, आंसर अंशुल गुप्ता ने भी की दिया है देविल ने भी दिया है राकेश का आ गया सुनील वर्मा का आ गया तो 1878, ठीक है तो ये जो वर्नाक्यूलर वर्नाक्यूलर जो वर्ड था वर्नाक्यूलर इसका मतलब था कि मानक भाषा के अतिरिक्त जितनी भाषाएं हैं उनको वर्नाक्यूलर कहा गया इंग्लिश में तो मानक भाषा किसी कहते हैं तो मानक भाषा यानी सरकार की भाषा इसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज सरकार की भाषा जिसमें सरकारी काम काज होते हैं अखबार छपते हैं ये सब तो उस समय अंग्रेजी सरकार की भाषा थी तो अंग्रेजी के अलावा मराठी तमिल हिंदी उर्दू जितनी भी इस तरह की भाषाएं थी उनको वर्नाक्यूलर कह दिया गया तो इस समय जो है संस्कृत मानक भाषा थी क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे लोग थे राजा भी जो होता था वो भी ये सब संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे राजकीय भाषा भी संस्कृत थी तो संस्कृत के अलावा उस समय जितनी भाषाएं बोली जाती थीं उनको प्राकृत कह दिया गया प्राकृत तो संस्कृत के अलावा जितनी भाषाएं थीं वो भाषाएं वही थी जो आम लोग बोलते थे जो लोगों की जबान थी तो उनको ही लोकल तो प्राकृत को आपको एनसीआर क्लास सिक्स में आप लोग देखोगे तो प्राकृत को समझाया गया है अच्छी तरह से तो प्राकृत को कहा गया है लोकल लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज स्थानीय भाषा तो इन भाषाओं ने तब प्रमुखता ज्यादा प्राप्त की जब बौद्धों और जैनियों ने धार्मिक साहित्य की रचना शुरू की तो आपने देखा है कि जिस साल बुद्ध मरे थे उसी साल पहली बौद्ध संगीति हुई थी और पिटकों की जो है पिटक और सूत पिटक की रचना हुई और पाली भाषा में हुई तो बौद्ध साहित्य को कैनो, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल रचनाओं में विभाजित किया जाता है विहित और गैर विहित और कैनोनिकल साहित्य में त्रिपिटक आ जाते हैं जिनको हम त्रिपिटक पिटक का मतलब टोकरी त्रिपिटक का मतलब तीन ज्ञान तो ज्ञान की टोकरी से बना है ये तो बिनय पिटक बिनय पिटक में यही सब आप लोगों को तथ्य बताने जा रही हूँ तो बिनय पिटक में नियम और विनियम मतलब जैसे आप संघ में शामिल होते हैं तो संघ में शामिल होने के बाद आपको कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा वही सारे बिनय पिटक में दिए गए हैं सूत पिटक में जो नैतिकता था जो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए जो भाषण दिए उसका संकलन है और अभिधाम पिटक में दर्शन है द, बुद्ध के सिद्धांतों की व्याख्या दर्शन अभिधम पीटक में है तो इसमें नैतिकता ज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सब विचार विमर्श किया गया है जो जातक कथाएं हैं वो नॉन कैनो कैनोनिकल हैं मन इसमें उपदेश नहीं है इसमें ज्ञान नहीं है इसमें आम लोगों से जुड़ी हुई कहानियां हैं तो जिसमें कहा जाता है कि इसमें बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं तो कहते हैं कि बुद्ध ने बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले 500 जन्म लिए थे तो वो उस जन्म की अलग 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 कहानियां जो है दी गई हैं इसमें 500 भी नहीं 550 नितिन सिंघानिया जी मैंने कहीं 500 पढ़ा था नितिन सिंघानिया जी साढ़े पाँच कहते हैं तो बुद्ध बुद्ध के रूप में गौतम के रूप में पैदा होने से पहले साढ़ो साढ़े जन्म से होकर गुजरे थे तो उन्हें साढ़े जन्मों की कहानियां हैं जातक कथाएँ है। तो इन कथाओं में उस समय उत्तर भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिति सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति इन सब के बारे में इन कहानियों के माध्यम से हमें पता चल जाता है तो जातक कथाएं जो है काफ़ी यूजफुल हो जाती हैं इतिहास लिखने में बाद में धीरे धीरे जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव आने लग गया था और महायान शाखा निकल गई तो महायान शाखा से ही अशोक घोष थे चौथे बौद्ध समिति की संगीति की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी कनिष्क के समय में तो इन्होंने फिर इन लोगों ने संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित संस्कृत भाषा में लिखा तो बुद्ध चरित किस भाषा में लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में तो फिर जैन कैनोनिकल साहित्य यानी जिसमें ज्ञान की बातें की गई हैं तो उसमें जो उनको हम कहते हैं आगम आगम कहते हैं शांतिनाथ चरित्र सोलहवें तीर्थांकर हैं वो उन पर लिखा गया है और ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिनको संस्कृत में लिखा गया है यूनेस्को ने इसे वैश्विक कोष घोषित किया है शांतिनाथ चरित्र को ठीक है प्राकृत कविता में हाल ने लिखा गाथा सप्तशती गाथा सप्तशती इसके ये हाल कौन थे ये एक चोल शासक थे हाल हाल चोल सनी सातवाहन शासक चोल नहीं ये सातवाहन शासक थे हाल तो इन्होंने किताब लिखी श, गाथा गाथा शब्दशती इसमें 700 छंद हैं तो 700 छंदों को उन्होंने प्राकृत भाषा में कंपोज किया ठीक है तो हाल ने इस खंड में 44 छंदों का योगदान दिया था वहीं कहते हैं कि कुछ चीजें इसमें अलग करती है कुछ कवित्रियों ने भी इसमें योगदान दिया था तो इसमें पहाई रोहा शशि पहा महावीर कुछ कवित्रियों का नाम आता है जिन्होंने गाथा सप्तशती में अपना योगदान दिया अन्य बौद्ध साहित्य ग्रंथों की हम लोग बात करते हैं तो दीपवंश ये सब बहुत आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है जल्दी आप लोगों को कहीं मिलता नहीं है तो दीपवंश दीपवंश महावंश इसमें श्रीलंका की कहानी आपको मिलती है तो दीपवंश हमें पता चलता है कि तीसरी चौथी शताब्दी ईशा पूर्व में अनुराधापुर श्रीलंका में अनुराधापुर जो जगह था वो माना जाता है कि राजधानी था ये उस वहां पर दीप वंश की रचना की गई थी शाब्दिक और दीप का इतिवृत्त यानी श्रीलंका की कहानी और इसमें बुद्ध की यात्रा बुद्ध के अवशेषों के संबंध में उल्लेख किया गया है मिलिंद पन हो ये राजा मीनांदर और बौद्ध भिक्षु नागसेन इन दोनों की वार्तालाप आप, आपने इतिहास जब मैं आप लोग को पढ़ा रही थी आर्य शर्मा में यह कई बार मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि लेटर मौर्य पीरियड में जो बहुत सारे फॉरन फॉरन इन्वैजिन हुए थे उसमें इंडो ग्रीक्स थे इंडो ग्रीक्स शासक मिलिंद पन्हो मिलिंद पन्हो ने बौद्ध धर्म अपना लिया था नागसेन ने उसको दीक्षित किया था दोनों के बीच जो प्रश्नोत्तर है उसी को यहाँ इसमें कंपोज कर दिया गया उसे हम लोग मिलिंद पन्हो कहते हैं यानी मिलिंद के सवाल सर्वोच्च दार्शनिक अनुसंधानों में से एक माना जाता है उसी दीपवंश की तरह महावंश ये भी पाली भाषा में ही लिखी गई है और इसमें भी हम लोगों को श्रीलंका की कहानी पता चलती है पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में राजा विजय के शासनकाल के दौरान महावंश को लिखा गया जो राजा विजय जो वहां के राजा थे और इसमें बुद्ध की सिलोन यात्रा शिलोन के राजाओं का इतिहास सब कुछ इसमें संकलित है महावस्तु इसमें जातक और अवदान और कहानियां सम्मिलित हैं महावस्तु में कुछ जातक कथा कहानियां हैं और कुछ अवदान कहानियां है महावस्तु तो महावस्तु को मिश्रित संस्कृत पाली और प्राकृत भाषा में लिखा गया है और इसको दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी के बीच में संकलित किया गया है महावस्तु को ललित विस्तार ये, ये ललित विस्तार का अर्थ होता है पूर्ण नाटक ललित विस्तार आपको पहले ये भी पूछा जा सकता है कि ललित विस्तार ग्रंथ किससे संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है तो ये महा, महायान ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ है महायान शाखा से और सारनाथ में पहले प्रवचन चक्र जो बुद्ध ने जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था उससे जुड़ी कई कहानियां इसमें कही गई हैं ललित विस्तार में ठीक है अब बात करते उदान की तो सबसे प्राचीन थेरावाद ग, थेरावाद जो से निकला तो उसका बौद्ध ग्रंथों में से एक है पुरातन संप्रदाय है थेरावाद उन, और इस और इसमें अंधो हाथी की लिखित गद्य में, में, कव में कविताएं हैं सिंगली संस्करण से इसका अनुवाद किया गया है वंश में ठीक है तो इसे उपत्श द्वारा सांस्कृतिक पाली में लिखा गया उपत्श ने इसको लिखा है महाविभाषा शास्त्र ये भी एक किताब है महाविभाषा शास्त्र कहीं कहीं आपको अलग नहीं मिलेगा महाविभाषा शास्त्र कह देते हैं इसे तो ये 1500 फिफ्टीन हंड्रेड बी सी ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया बताया जाता है और इसमें गैर बौद्ध दर्शनों के संबंध में भी चर्चा सम्मिलित है महायान ग्रंथ है ये तो ये जो है आ, इसको डेट पर थोड़ा स्टार लगाइएगा मैं एक बार बुक में वो करूँ फिफ्टीन हंड्रेड के आसपास ये नहीं हो सकता तब तो बुद्ध भी नहीं हुए थे तो उस समय ये कैसे हो सकता है तो ऐसा हो सकता है कि कंटेंट टीम से गलती हुई हो और मैं भी एग्जैक्टली exactly इसको रिकॉल नहीं कर पा रही हूं महाभिभाषण शास्त्र कब लिखा गया था तो इस पर आप इसको स्टार लगा लीजिएगा जिनके पास बुक होगा वो कंफर्म कर लीजिएगा मैं भी एक बार आप लोग को कंफर्म कर दूंगी आप लोग पूछ लीजिएगा मेरे से तो ये भी महाभिभाषण शास्त्र ये आपका महायान ग्रंथ है बुद्ध का जन्म होता है पांच सौ में फाइव सिक्सटी में तो पंद्रह सौ बीसवीं में महाभिभाषा शास्त्र की रचना कैसे हो सकती है तो ये बिल्कुल ही गलत है ये डेट पंद्रह सौ जो है नहीं हो सकता पंद्रह सौ हो सकता है पंद्रह ईस्वी पर अब वो मैं आई एम नॉट श्योर तो स्टार लगा लीजिए आगे बढ़ते हैं विशुद्धि मग इसे पाँचवीं शताब्दी में बुद्ध घोष ने श्रीलंका में लिखा यही कुछ डेट इसका भी आसपास होना चाहिए तो विशुद्धि मग किस संप्रदाय से संबंधित है तो विशुद्धि मग जो है थेरावाद सिद्धांत का ग्रंथ है जो थेरावाद है तो श्रीलंका में काफी प्रचलित है ना थेरावाद तो क्योंकि जो है वहां पर जब धर्म गया है तो ओरिजिनल फॉर्म में ही गया है तो बुद्ध की कई शिक्षाएं शिक्षाओं की चर्चा इसमें है तो विशुद्धि मग महावस्तु ललित विस्तार महावंश दीप वंश ये इन सभी किताबों को याद रखिएगा जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं जैन साहित्य ये प्राकृत और अर्धमाग्धी में लिखा गया जैसे बौद्ध ग्रंथ पाली और संस्कृत में लिखा गया जैन साहित्य जो है माघी अर्धमाघ्धी भाषा में लिखा गया जो प्राकृत के रूप थे कई और भाषाओं का भी इस्तेमाल इसमें किया गया संस बाद में संस्कृत में भी लिखा गया तो जैन ग्रंथ संस्कृत शौरसैनिक गुजराती मराठी में भी लिखा गया माघी अर्धमाघ्धी के अलावा इसमें इसका एक अपना विस्तृत जो है आप समझ लो कि इसका अपना पैलेट है तो व्यापक रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है धर्म जो जैन आगम है जैन आगम और धर्म वैधानिक ये धार्मिक ग्रंथ और धर्मैतिक साहित्यिक रचना है धार्मिक ग्रंथ है जैन आगम और धर्म वैधानिक जो है धर्मेतर साहित्य वैदिकोत्तर की तरह ही तो जैन आगम जो है ये पवित्र ग्रंथ है और इसमें जो है जैन तीर्थांकरों की शिक्षाएं हैं जैन आगमों में तो जैन आगमों में क्या है सबसे पहले आपको याद करना है तो इसमें जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनकी शिक्षाओं का संकलन है और इन्हें मूल रूप से गांधारों द्वारा संकलित किया गया बताया जाता है जो महावीर के मुख्य शिष्य थे तो महावीर के जो मुख्य शिष्य थे उन्होंने ही एक तरह से जैन आगमों को लिखा है कंपोज किया है कह लीजिए वर्तमान अंगों को मध्य पांचवी शताब्दी के दौरान वल्लभी कहते हैं कि दो जैन संगीति हुई थी एक पाटलिपुत्र में और दूसरी पहली पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी में तो सभी आगमों को वल्लभी में ही पुनर्संकलित किया गया बताया जाता है वहीं पर लिखा गया और ईश्वरतांबर पंथ के भिक्षुओं का परिषद था तो आगम में कितने ग्रंथ हैं छियालीस जैन आगम में कुल फोर्टी सिक्स एपिक्स हैं तो इसमें कहते हैं बारह अंग बारह उपांग टेन प्रकीर्णक, दस प्रकीर्णक कहते हैं और चार मूल सूत्र छे, छेद सूत्र दो चूली का सूत्र ये नेम्स हैं इनके तो ये कभी कभी आप लोगों से ये पूछा जाता है और ये पी में तो जरूर पूछा जाता है कि आगम में कितने हैं क्या क्या है तो बारह अंग बारह उपांग दस प्रकीर्णक चार मूल सूत्र छः छे छेद सूत्र दो चूलिका सूत्र ये सब जैनिज टर्मिनोलॉजीज हैं तो इसको याद रखिएगा अर्धमाग्धी भाषा में लिखा गया और इसमें सभी मतलब ये जीवन के जो जो अंग हैं जो अंग है उसमें जो है जीवन के सभी प्रकार के लिए आदर शकाहार वैराग्य दया अहिंसा इन सब की कठोर संहिताएं लिखी गई हैं दिगंबरों ने दो रचनाओं को पवित्र दर्जा दिया कर्म प्रभृत यानी कर्म पर चर्चा और शत शा, शतखगम और कश्यप पपभृत ठीक है तो कश्यप प्रभृत ये जो है दिगंबर दिगंबरों की पवित्र रचना है कुछ अन्य महत्वपूर्ण तो भद्रबाहु चरित भद्रबाहु ने जो लिखा है अपना चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर तीसरी शताब्दी में फिर इसके अलावा जो है उवास गहरम श्रोत कल्प स्रोत्र ये सब तीर्थांकरों की आत्मकथा है दिगंबर संप्रदाय की ये सारे जो अगुवा थे उनका आचार्य कुंड कुंड का समय सार और नियम सार इसमें जैन दर्शन की चर्चा है समन्त भद्र ने लिखा रत्न करंद श्रावक कचर ये जैन गृहस्थ जीवन है ये गृहस्थ जीवन मैंने आप लोगों को बताया था ना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो जैन धर्म को गृहस्थ जीवन में रहकर मानता था उनको क्या कहा गया कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट जो गृहस्थ जीवन में रहकर जिन्होंने जैन धर्म को माना उनको क्या कहा गया इसका लिस्टिंग कर लेना सबका लिस्टिंग कर लेना और ये रट्टाफिकेशन से ही याद होगा तो रट्टाफिकेशन के लिए कोई आप अपने तरीके से एक एक वर्ड निकाल के कोई एक नेमोनिक बना लेना अड़ुव्रत वेरी गुड नकुल नकुल का सबसे पहले आंसर आ रहा है और करेक्ट आंसर आ रहा है तो अड़ुव्रत अड़ुव्रत कहते हैं तो जो सामंत भद्र का रत्न करंदर है और आत्ममीमांसा तो इसमें जो है जैन गृहस्थों का जीवन कैसा होना चाहिए किस नियमों का पालन करना चाहिए वो है और आप लोगों ने संगम साहित्य में शिल्पाधिकारम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा शिल्पाधिकारम पायल की कहानी नुपुर की कहानी जिसको इलैंगो आदिगल ने लिखा था जिसको हम चेर शासक जिसको हम लोग शेन गुटवन जिसको लाल चेर के नाम से हम लोग जानते हैं उसका भाई था इलैंगो आदिगल उसने लिखा था शिल्पाधिकारम तो आप ये याद रखिएगा कि ये जैन साहित्य धर्म से संबंधित है जैन धर्म से तो इसमें नैतिक संलाप है पूरा इसे तमिल साहित्य के सबसे महान महाकाव्यों में से रखा जाता है टू एपिक्स वहां के शिल्पाधिकारम मणि मैखले तोलका पियम ये सब एपिक्स हैं तो इसमें शिल्पाधिकारम जैन पे आधारित है तो इसकी कहानी वही कन्नगी और उसका पति केवल कोवलन के खोने पर जो हुआ वो सारा का है और इसी में तिरुक का जीवन जीवक चिंतामणि है तो तिरु तिरुक जो है ये सन जैन सन थे और उन्होंने किताब लिखी जीवन जीवक चिंतामणि जीवक चिंतामणि में ये इसमें एक राजकुमार है जीवक उसने छह शादियां की अपने जीवन में पर लास्ट में छो बीवी को छोड़कर वो भिक्षुक बन गया और उसने जो है जैन धर्म को अपना लिया था तो उसी को जीवक चिंतामणि कहते हैं तो ये भी जैन धर्म पर आधारित इसी तरह से नलतियर जिसको नालियार भी कहते हैं ये भी जैन भिक्षुओं द्वारा रची गई थी तो ये सब तमिल भाषा में लिखी गई है जैन साहित्य उमा स्वाति का तत्वार्थ सूत्र ये भी एक महत्वपूर्ण बुक है फिर इसमें तर्क ज्ञान मीमांसा आचार खगोल विज्ञान इन सब पर आधारित है ये दिगाम्बर और श्वेताम्बर दोनों इस किताब को मानते हैं उमा स्वाति का जो तत्वा सूत्र है उसको जीनसेन भी एक सम्मानित दिगंबर भिक्षु थे और उन्होंने महापुराण और आदि पुराण की रचना की तो मैं तो हमेशा ऐसे याद रखती हूँ जैसे आप लोग ट्रिक पूछ रहे थे तो मैं तो एक साथ जैसे लिख दिया जिन पुराण महापुराण और लिख दिया फिर जिनसेन तो जिनसेन महापुराण आदि पुराण जीवक चिंतामणि हमेशा मुझे तिरुग देवर याद रहते हैं इसके अलावा बहुत सारे बाद में संस्कृत में भी लिखे गए थे देखते हैं नितिन सिंह हानिया जी ने उनको मेंशन किया है या नहीं तो हेमचंद्र सूरी वगैरह जो है इन लोगों का आ जाता है ठीक है तो एक ये जो है इनकी बात कर रहे हैं हम लोग जीनसेन की कि ये एक प्रसिद्ध जैन भिक्षु बीरसेन के शिष्य थे हरिभद्र सूरी हेमचंद्र सूरी दे देखे इन्होंने चर्चा किया तो है तो इन लोगों ने संस्कृत में लिखे बाद में जैन धर्म पर भी प्रभाव आ गया था ना हिंदू धर्म का तो इन्होंने संस्कृत में लिखा तो छठी सती में हरिभद्र सूरी और बारहवीं सदी में जो हेमचंद्र सूरी आए थे तो इन लोगों ने सभी भाषाओं का इस्तेमाल किया और इन्होंने इन्होंने लिखा था और बल्लभी और कलिंग विश्वविद्यालय में जैन जैन जो है विद, जैन विद्या के केंद्र बन गए थे बल्लभी और कलिंग क्योंकि कलिंग में था ना खारवेल जो जैन धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक था बाद में कन्नड़ साहित्य में भी कन्नड़ भाषा में भी कुछ लिखा गया जैन भिक्षु ने कन्नड़ भाषा में भी लिखा तो इसमें कौन है पंपा पोना रन्ना ये कन्नड़ हम लोग जब कन्नड़ साहित्य पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी आपको ये त्रिरत्न माने जाते हैं कन्नड़ साहित्य के पंपा पोना रन्ना बहुत ईजी है याद करना पंपा पोना रन्ना तो ये इन लोगों ने भी लिखा था जैन धर्म पर लिंगायतों का जब वहां पर प्रसार हुआ वीर वालों का तो जैन धर्म की लोकप्रियता में थोड़ी सी कमी आई ठीक है अब हम लोग लास्ट आज का टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक है सिख साहित्य तो सिख धर्म जिसके कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था इसके संस्थापक नानक तो गुरु नानक की शिक्षाओं पर ही आधारित है तो इनको जो है इन सिख धर्म की मान्यताएं दर्शन वो सब जो है आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी गई और गुरु जिसको हम गुरुबानी कहते हैं गुरुबानी इसमें भजन है और गुरु ग्रंथ साहिब है सब तो इसमें जो है जो दो मुख्य माना जाता है आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब तो गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ का ही एक्सपेंशन है तो आदि ग्रंथ ये देखिए पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव तो गुरु अर्जुन देव के पहले जो गुरु हुए थे उनको जो चार गुरु हुए थे उनकी रचनाओं को आदि ग्रंथ में जगह देकर कम कंपोज करके इन्होंने ही सबसे पहले आदि ग्रंथ को संकलित किया तो 1604 में गुरु अर्जुन देव ने जो है आ, इसका जो है संकलन किया था तो इसके ये गुरु ग्रंथ साहिब का एक तरह कह सकते हो कि पूर्ववर्ती है और फिर गुरु ग्रंथ साहिब में सारा ही आ गया तो इस ग्रंथ में सुख गुरुओं के साथ साथ कुछ भक्ति और सूफी परंपराओं के पंद्रह भक्तों की शिक्षाएं शामिल है कल हम लोगों ने बात किया था जो है नानक हैं ना, कबीर हैं कबीर आपके जो है दादू दादू दयाल इन सबकी रचनाओं का कुछ बाबा फरीद हैं इन सबकी रचनाओं को जगह दिया गया है आदि ग्रंथ में तो कल मैं जब आप लोग को भक्ति आंदोलन पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि बिल्कुल नोट करके रखना ऑप्शन में ऑप्शन दे के याद आ जाना चाहिए कि हाँ हाँ इनकी रचनाएं आदि ग्रंथ में शामिल हैं रहीम के हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब बाद में फिर गुरु ग्रंथ साहिब आया तो इसमें दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने इसका करवाया सोलह में 1604 सो आदि ग्रंथ और सोलह गुरु ग्रंथ साहिब तो ये बस वही आदि ग्रंथ का आगे का विस्तार जैसा कि मैंने बताया और सिखों का ग्यारह और अंतिम आध्यात्मिक प्राधिकारी इसको माना जाता है संत भाषा गुरु ग्रंथ इसमें गुरु मुखी संत भाषा मानी जाती है तो ये गुरुमुखी जो भाषा है इसमें पंजाबी अपभ्रंश हिंदी ब्रज भाषा संस्कृत खड़ी बोली फारसी के शब्द हैं इसमें क्योंकि संतों ने वही स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया स्थानीय भाषा में कई भाषाएं होती हैं और जिनकी शिक्षाएं देखो इन्होंने दे ही दिया है नितिन सिंह जी ने ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने कि इन्होंने गुरुओं के अलावा दस गुरुओं के अलावा जिनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में जगह दी गई है आदि ग्रंथ में तो वो देखिए उनका नाम उनको भगत के नाम से जाना जाता है भगत तो उसमें कौन कौन आ गया रामानंद नामदेव रविदास परमानंद सेन सूरदास और दो मुस्लिम भगत कबीर और बाबा फरीद बाप और इसमें उनका नाम तो है ही नहीं आ, मैंने जिनका भी बताया दादू दादू दयाल का भी है तो क्या सर चलो कुछ कुछ नाम छूटा है इसमें तो इन लोगों का इन सब का जो है जगह दिया गया है ठीक है दसम ग्रंथ एक है आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब उसके अलावा एक दसम ग्रंथ है तो इसमें माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह क्योंकि वो दसवें गुरु थे तो उनके भजन इसमें संकलित हैं तो दसम ग्रंथ का मतलब दसवें गुरु के भजन सारे और इसमें कुछ दंत कथाएं पौराणिक कहानियाँ भी हैं इस ग्रंथ के कुछ भजन नित्य नेम के नाम से दैनिक प्रार्थना में अर्पित किए जाने वाले माने जाते हैं एक ओंकार आप लोगों जो ने आप लोगों में से जो लोग पंजाबी होंगे सिख होंगे वो लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे इसी तरह कुछ जन्म सखियां हैं आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब दसम ग्रंथ अब एक आप क्या देख रहे हैं जन्म सखियाँ जन्म सखियाँ इसमें पहले गुरु नानक फिर उनके जो है पौराणिक और उनकी सब चमत्कारी कहानियाँ इसमें शामिल हैं सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है एक भाई बाला जन्म सखी सक्य। जन्म सखियों में ये पूरा अलग अलग है तो उसमें भाई बाला जन्म सखी इसमें जन्म सखी और आदि जन्म सखी हैं जो है ये पात्र पात्र कुछ कहानी होगा इसमें फिर अरदास है अरदास किसे किसे कहते हैं अरदास सुना है ना आप लोगों ने शब्द ये तो अरदास कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब को खोलने और बंद करने के दौरान गुरुद्वारे में दैनिक अनुष्ठान जब की जाती है एक प्रार्थना की जाती है तो इसमें तीन भाग शामिल हैं पहला भाग दस गुरुओं का गुणगान वो छूट गया है ठीक है और फिर दूसरा जो है दस सिखों के गुणगान के बाद उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की जाती है तो वो इसको जो है हम कहते इसको पूरी की पूरी जो है अरदास कहते हैं जिसमें पूरा कंप्लीट ही हो जाता है तो जनरली सिख प्रार्थनाओं को अरदास के नाम से कहा जाता है ठीक है चलिए तो उम्मीद है कि ये, ये आप लोग को समझ में आया होगा अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो है अब जो हम इसके आगे ये तो सारा प्राचीन आ गया था और मेनली इसमें से धर्म और क्लासिकल संस्कृत लिया था नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कुछ मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य की बात करेंगे फिर साहित्य वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा तो कल से मेरा सेशन नहीं होगा अब मेरा सेशन शुरू होगा मई से ठीक है तो तीन चार दिन तक आप लोगों के पास टाइम है जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसको रिवाइज करते रहिए आप लोग और जाने से पहले मैं बता दूं कि आज 26 मई है और लास्ट डेट है आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो रिंकू लाइव कोड के साथ आप आइए और सब्सक्रिप्शन लेकर आप ये है मेरा टेलीग्राम लिंक आप यहाँ पर मुझे बता सकते हैं कि मैंने लिया है मैं मेरे पास भी मैसेज आ जाता है मैं आप लोग को फिर अपने ग्रुप में ऐड करके आपको गाइड करना शुरू कर दूंगी ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब अगले महीने एक नई ताजी क्लास में मिलेंगे तब तक रिवाइज करते रहिए अच्छे से रहिए स्वस्थ रहिए बाय और स्वस्थ रहिए ये आपके हाथ में है क्योंकि जो है आपको बाहर नहीं निकलना है बाहर निकलना है तो मास्क पहन के निकलना है एकदम बच कर रहना है तो ये आपके ही हाथ में है बहुत खराब समय चल रहा है कोविड तो था ही कोविड के साथ ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस येलो फंगस कई तरह के पैंडेमिक्स आ चुके हैं तो बहुत बुरा समय है एकदम केयरफुल रहिए और बच कर रहिए बाय